नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज हम एकत्र हुए हैं बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए। हाल ही में श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भगवत धाम गमन हुआ है और महाराज का जीवन, उनका चरित्र हमारे लिए बहुत प्रेरणास्पद है। तो उनके जीवन से हम अमूल्य शिक्षाएं ले सकते हैं। हम लोग महाराज की समाधि के लिए वृंदावन गए थे और अगले दिन महाराज का गुणगान अलग अलग भक्त कर रहे थे। तभी से प्रतिदिन अभी महाराज का गुणगान हो रहा है अलग अलग मंदिरों में, और उनको श्रवण करने से हमको समझ में आ रहा है कि वास्तव में एक एक प्रभुपाद के शिष्य के अंदर कितने गुण हैं, एक एक प्रभुपाद के शिष्य के अंदर कितनी कुछ शिक्षाएं हैं जो हम सीख सकते हैं। कई बार जब हम शास्त्रों से उदाहरण सुनते हैं तो हमको लगता है हाँ, ये तो पूर्व काल में हुआ है, तब इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तब शरीर में बल बहुत था, तब मानसिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति सब ज़्यादा थी, अभी कलयुग में इतनी समस्याओं के साथ कोई भक्ति कैसे कर सकता है। लेकिन जब हम हमारे समकालीन उदाहरण देखते हैं, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, दे बिकम मोर रेलेवेंट, वो हमारे लिए और ज़्यादा सटीक बैठते हैं हमारे जीवन में। और इसीलिए हमारे जो गुरुजन हैं उनको हम बोलते हैं आचार्य। आचार्य शब्द का मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाएं, या फिर उनका पूरा जीवन ही शिक्षा हो। हम एक भागवत पढ़ते हैं जो ग्रंथ भागवत है, और शुद्ध भक्त जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, वो भक्त भागवत होते हैं। भक्त भागवत मतलब उनका चलना, उनका फिरना, उनका बोलना, उनका सारा जीवन ही भागवत है। इसीलिए भक्त चरित्र सुनना भागवत श्रवण के समान है और ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान स्वयं भी भक्त चरित्र सुनते हैं। इसीलिए हम लोग आज महाराज के विषय में कुछ सुनेंगे। मेरा व्यक्तिगत महाराज से जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव था वो मैंने दो दिन पहले रीडिंग में ऑफरिंग में पढ़ दिया है, तो मैं उसको दोबारा आज नहीं दोहराऊंगा। मैं आज प्रयास करूंगा जो मैंने अलग अलग वैष्णवों से इन दिनों में सुना है महाराज के बारे में, वो हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में कुछ बहुत ही हृदय स्पर्शी कुछ वीडियोज़ हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज ही एक वीडियो मुझे मिली है, ये महाराज के स्वयं के आवाज़ में महाराज अपने बारे में बता रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ में है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, महाराज से श्रवण करेंगे।
casually asked one of my friends, is there any Hindu temple in Montreal? So I went to the Montreal temple and I took part in the Sunday program. And in May 68, I received a letter. Our Swamiji is coming to Montreal on June 4, 68. Please come and meet him. The first assignment the temple president gave me was to clean Prabhupada's apartment. So I had the privilege of meeting Prabhupada on June 1st, 1968. I had almost no exposure to sadhus in India. I could see that Prabhupada was a genuine saint. Before I came, there was almost no book production in India. The Prabhupada told me to start the book production. I had arranged a very big book display of Prabhupada's books in a very big book house. But after 1 month, not many books were sold. So I went to Prabhupada to give him a report. And Prabhupada said, my books are sold because of the enthusiasm of my disciples. And in a store, nobody's enthusiastic. That's why. So we have seen that when devotees are enthusiastic, they achieve outstanding results. Went to Vajpayee. And when I came back and gave Prabhupada the report, Prabhupada said, one day this man will become more important. He'll hold a very important position. And a few years later, he became the Prime Minister of India. गुरुमाज के स्वास्थ्य को लेकर हम लोग विचारशील हैं क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ स्वाभाविक मांसपेशियों का कमजोर शरीर का थोड़ा झुकाव और आवाज का थोड़ा नर्म होना तो उनके पिता ने प्रहलाद को एक स्कूल में डाला था हमने बहुत बार गुरुमाज से रिक्वेस्ट किया कि गुरुमाज कार्य प्रणाली थोड़ा स्लो होना चाहिए लेकिन गुरुमाज का हमेशा से एक ही उत्तर रहा कि मैं प्रभुपाद का सोल्जर हूँ मैंने प्रभुपाद से ऐसे ही सीखा है और मैं हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा Prabhupada was always concerned about preaching and even when he wasn't physically well he did not stop his preaching and as we know in Vrindavan when he wasn't physically well he had somebody helping him sit down he was virtually whispering the purports there was good appreciation so we should also cultivate a similar mood Prabhupada's always right. We should know that. हरे कृष्ण सो
जैसा कि इंग्लिश में कहावत है, लाइक फादर लाइक सन, उस तरह महाराज का प्रभुपाद जैसा ही मूड है कि प्रभुपाद चाहते थे कि हमेशा हम लोग प्रचार कार्य में रहें, तो हेल्थ का विचार ना करते हुए, शरीर का विचार ना करते हुए, उम्र का विचार ना करते हुए महाराज इस तरह प्रभुपाद की सेवा में लगे रहते थे। और जेट लैग एक बहुत बड़ा टर्म है, जो लोग विदेश में ट्रैवल कर चुके हैं उनको अभ्यास होगा कि जब जेट लैग होता है तो व्यक्ति को काफ़ी दिन लगते हैं उसको डील करने के लिए। और नियम क्या है, जैसे एक घंटे का अगर टाइम डिफरेंस है तो आपको एक दिन लगेगा उस जेट लैग को हैंडल करने में। जैसे मान लो यहाँ से आप, एक घंटे का गैप कहाँ है, एक डेढ़ घंटे का, मान लो दुबई गए, ढाई घंटे का गैप है, तो आपको 2 से 3 दिन लगेंगे सेट होने में। या फिर अगर आप साउथ अफ्रीका गए, 5 घंटे का गैप है, 5.5 घंटे का, तो आपको 5 से 6 दिन लगेंगे सेट होने में। अमेरिका गए तो 10 घंटे का गैप है, तो कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे सेट होने में। लेकिन महाराज का नियम क्या था, प्रभुपाद जैसा, जहाँ लैंड होते थे वहाँ घड़ी में सेट करते थे टाइम, चलो शुरू करो, क्या काम है वो तत्काल शुरू कर देते थे। एक और महाराज की अच्छा गुण था, प्रतिदिन प्रभुपाद की गुरु पूजा करते थे, तो जैसे घड़ी में 8 बजते थे वो जहाँ भी हो। कई भक्तों से मैंने सुना है, कई बार मॉर्निंग वॉक में भी महाराज 8 बजे और मॉर्निंग वॉक में है तो वहीं पर प्रभुपाद गुरु पूजा गाना शुरू कर देते थे, तो उनका शेड्यूल इतना पक्का था। आगे उनने जो सर्विसेज की हैं इस्कॉन में, हम लोग वीडियो में देख रहे थे, 1968 में प्रभुपाद से मिले, 1968 में उनकी दीक्षा हुई, और पहली सेवा उनको क्या मिली थी, प्रभुपाद का रूम साफ करने की। और उन्होंने इतने मेटिकुलसली वो रूम साफ किया था कि प्रभुपाद ने पूछा था कि रूम किसने साफ किया, तो बताया कि एक नया लड़का है प्रभुपाद, गोपाल कृष्ण खन्ना, तो उन्होंने ये रूम साफ किया है। तो प्रभुपाद गॉट वेरी इंप्रेस्ड, प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी। और फिर उसी साल महाराज को दीक्षा भी मिली, लेटर पत्र के माध्यम से प्रभुपाद ने दीक्षा दी। अच्छा, 1968 के एंड में उनकी दीक्षा हुई और 1974 में प्रभुपाद ने उनको GVC बना दिया। केवल 6 साल के अंतराल में एक भक्त इस्कॉन में आया है और 6 साल के अंदर उनको GVC बना दिया। इससे क्या पता पड़ता है, हमारे गुरु महाराज बोलते थे ये कोई साधारण लोग नहीं है। जब कृष्ण आते हैं तो अपने पार्षदों को लेकर के लीला करते हैं, अपने पार्षदों के समेत वो इस धराधाम पर आते हैं। उसी तरह जब युगाचार्य आते हैं तो वो भी अपने साथ अपने पार्षदों को लेके आते हैं। युगाचार्य कौन है, जैसे युग अवतार होता है, युग अवतार मतलब जो युग धर्म की स्थापना करे उनको बोलते हैं युग अवतार, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है। और युगाचार्य क्या होते हैं, युगाचार्य ऐसे भक्त होते हैं जो युग धर्म का विस्तार करें, जो है श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद की मदद करने के लिए उनके नित्य परिकर अलग अलग स्थानों में भगवान ने पहले से ही बो करके रखे थे कि प्रभुपाद आएंगे खेती काटेंगे, पहले से ही बो करके रखे थे। उसका प्रमाण क्या है कि जैसे ही प्रभुपाद वहां पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, आंदोलन शुरू किया, जैसे ही प्रभुपाद ने बुलाया सब आ गए। और ऐसे ऐसे दिग्गज आज तक हम उनकी सेवा देख रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने सेवाएं शुरू की। 1975 में प्रभुपाद भारत में प्रचार शुरू किए, उसके पहले किए थे लेकिन मुख्यतः 75 में वृंदावन मंदिर कंप्लीट हो गया था और भारत में प्रचार कार्य काफ़ी बढ़ रहा था। अब भारत बड़ी डिफिकल्ट प्लेस है, आपको भी मालूम है, किसी के ऊपर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है। एक बार प्रभुपाद को बॉम्बे में उनके शिष्य गिरिराज स्वामी महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, ये लोग आके बोले, प्रभुपाद हमने पूरा पांडाल बड़ा सस्ता कर लिया है। 40-40 हज़ार लोग, 30-30 हज़ार लोग प्रभुपाद के कार्यक्रम में आते थे, तो ये पूरा पांडाल का अरेंजमेंट हमने बहुत कम दाम में कर दिया है। प्रभुपाद ने बोला अच्छा हिसाब दिखाओ। प्रभुपाद देख के बोला तुमसे कम से कम 15 गुना चार्ज किया इन लोगों ने, क्योंकि सब विदेशी भक्त थे, कोई भी इंडियन नहीं है। तो उनको देख करके हम अभी भी वृंदावन में जाते हैं, रिक्शा वाला हमको बोलता है 20 रुपया, विदेशी भक्त देखे 250 रुपया। तो सब लोग चीट करते थे,
एक बार प्रभुपाद से कुछ शिष्यों ने आके बोला, प्रभुपाद ये इंडियंस बड़े टेढ़े होते हैं, ये भारतीय बड़े टेढ़े होते हैं। प्रभुपाद बोले, हाँ मैं भी भारतीय हूँ, मैं इतना टेढ़ा हूँ कि तुम सबको भक्त बना दिया। तो इस तरह से इंडिया में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले प्रभुपाद के राइट हैंड तमाल कृष्ण महाराज को GBC बनाया। तो प्रभुपाद ने GBC बना के एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तमाल कृष्ण महाराज ने बोला, प्रभुपाद मुझे कहीं भी भेज दो, भारत से छुटकारा दे दो, बस भारत मुझसे हैंडल नहीं होगा। फिर प्रभुपाद ने करणधर प्रभु को बुलाया। आपने प्रभुपाद मेमोरियल में श्रुति कीर्ति प्रभु की मेमोरी सुनी होंगी, करणधर प्रभु। प्रभुपाद जब कोई डिफिकल्ट काम होता था, प्रभुपाद बोलते कॉल करणधर, सबसे डिफिकल्ट काम। तो प्रभुपाद ने अमेरिका से करणधर प्रभु को बुलाया, बोले तुम GBC बनो। वो भी नहीं टिके, एक महीने के पहले वो भी प्रभुपाद रिजाइन। फिर प्रभुपाद ने दूसरे जगदीश्वर प्रभु को GBC बनाया। वो जगदीश्वर प्रभु जिस शाम को प्रभुपाद ने GBC बनाया, उसी रात में अमेरिका टिकट करके भाग गए। प्रभुपाद इंडिया नहीं संभलेगा हमसे, तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तब प्रभुपाद ने जिम्मेदारी दी, पूरे भारत का GBC गोपाल कृष्ण महाराज को बनाया। जो जिम्मेदारी उन्होंने अभी तक एज इट इज निभाई, 49 years ही वॉज GBC ऑफ इंडिया, वो सेवा उन्होंने की। उसके बाद प्रभुपाद रशिया गए, ये इंडिया से और डिफिकल्ट काम। रशिया उस टाइम पे कम्युनिस्ट था, प्रभुपाद भी छुप के गए थे और प्रचार करना अलाउड नहीं था। प्रभुपाद एक होटल में रुके थे और उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु को भेजा था। श्याम सुंदर प्रभु राशन की दुकान पे गए, वहाँ भी पुलिस का डर था, तो लाइन में खड़े थे। एक व्यक्ति से पहचान हुई, उसका नाम था एंटली। वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा था, उसको बोला चलो हम आपको अपने गुरुजी से मिलाएंगे। वो रूम में लेके आया। प्रभुपाद ने 3 दिन एक ही लड़के को प्रचार किया, बस तीसरे दिन उसको दीक्षा दे दी, अनंत शांतिदास। और उसको दीक्षा दे के प्रभुपाद वापस आ गए, बीज रोपण करके आ गए। वो अनंत शांति प्रभु से प्रचार शुरू हुआ। अब प्रभुपाद को लेटर आने लगे उनके कि प्रभुपाद लोग तो आपकी फिलॉसफी सुनना चाहते हैं। अब आप सोचो कम्युनिस्ट कंट्री जहाँ भगवान का प्रचार जो करेगा जेल जाएगा, ना वहाँ पर पुस्तकें हैं, ना कोई मीडिया है, ना कोई भक्त हैं, प्रचार होगा कैसे? प्रभुपाद ने किसको सिलेक्ट किया? गोपाल कृष्ण महाराज को सिलेक्ट किया। प्रभुपाद बोले गोपाल कृष्ण जाओ, रशिया जाओ। और वो किताबें स्मगल करके लेके गए, भगवद गीता वगैरह, ये तस्करी करके लेके गए छुपा के, और वहाँ जा करके उन्होंने प्रचार शुरू किया। और लिमिटेड किताब ले गए थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे भगवद गीता 18 अध्याय है, तो 18 अध्याय का एक एक अध्याय का एक एक बुकलेट बना दिया और 18 लोगों को दे दिया। बोले तुम लोग आपस में एक अध्याय पढ़ना, फिर एक्सचेंज कर लेना। इस तरह करके प्रचार वहाँ पर बढ़ाया। उस टाइम प्रभुपाद के रहते रहते दो तीन बार वो रशिया गए। प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए, प्रभुपाद बोलते हैं जो काम मैं नहीं कर पाया वो गोपाल कृष्ण ने करके दिखाया। प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए। तो उस तरह महाराज की ये सब जिम्मेदारियाँ थी। और वो करते करते जैसे महाराज बोल रहे थे वीडियो में भी कि प्रभुपाद बीमार भी थे, भक्तों का सहारा लेकर के बैठते थे, भक्तों का सहारा लेके चलते थे, लेकिन फिर भी प्रचार बंद नहीं करते थे। तो एक बहुत सुंदर वीडियो में, एक और मैं वीडियोस बहुत दिखाने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखना। तो ये वीडियो एक भक्त ने बनाई है, ये कल्पना करके कि वो आज से 50 साल बाद पहुँच गया है ना। जैसे अभी चल रहा है 2024, मान लो आज से 50 साल बाद पहुँच गया है, और 50 साल बाद वो अपनी वृद्ध अवस्था में ये पत्र लिख रहा है। एक बार हमारे गुरु महाराज ने पूछा था गौरांग प्रभु को, गौरांग प्रभु को जानते हैं ना, गौरांग प्रभु को पूछा कि गौरांग प्रभु डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट प्रभुपाद डिड, प्रभुपाद ने क्या किया है तुमको समझ में आता है? गौरांग प्रभु, हाँ महाराज हम तो प्रवचन वगैरह सब करते ही हैं, हमको तो पता ही है प्रभुपाद ने क्या किया। गुरु महाराज बोले नहीं गौरांग प्रभु, आपको तब समझ में आएगा जब आप 75 साल के होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद ने क्या किया। तो हम लोग एक वीडियो देखेंगे, ये भक्त है अपनी उम्र से 50 साल आगे पहुंच गया है। डियर गुरुदेव, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल ओबिसेंसेस, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। आज मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है, क्योंकि आज फिर मुझे आपकी ग्लोरिफिकेशन करने का मौका मिला। वैसे तो एक शिष्य के लिए हर दिन ही एक मौका है अपने गुरु के यश को तीनों लोकों तक पहुंचाने का। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता
कि मैं आपके बारे में कुछ लिख या बोल सकूं, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से ये एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आज भी मुझे याद है वो दिन, ट्यूसडे 8 सितंबर 2015, आपकी 71st व्यास पूजा के दिन। हाँ, मुझे पहली बार मौका मिला था स्टेज पर आपकी ग्लोरिफिकेशन करने का। मैं सिर्फ 20 साल का था और पूरा पंडाल भक्तों से भरा हुआ था, और मैं सीनियर भक्तों के सामने बहुत नर्वस फील कर रहा था, पर तभी आपकी एक मधुर सी मुस्कान और मुझे बहुत हिम्मत मिली गुरुदेव। खैर, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने क्या बोला, ये कहानी उसकी बात की है जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बैठी बैठी, थैंक यू बेटा, इट्स माय प्लेजर। सुना मैंने आपका ग्लोरिफिकेशन, अच्छा बोला आपने। अरे प्रभु जी, मैंने तो बस प्रयास किया, बाकी तो सब गुरु महाराज की कृपा से ही होता है। मुझे अच्छा लगा कि आपने बताया कि कैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 70 साल की आयु में भी रोज मंगल आरती जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी की ही बात ले लो, कल रात महाराज कितने लेट आए थे, सोते सोते उनको 1 बज गया था, फिर भी महाराज सुबह 4:30 बजे आल्टर में थे। जी प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल। मैं तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, यू कांट इवन इमेजिन जो उन्होंने हम सब के लिए किया है। आई एम हैप्पी कि आप जैसे यूथ इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आई थिंक यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मैं समझा नहीं प्रभु जी। मतलब कि ये सब बोलना बहुत आसान है, महाराज ने ये किया वो किया, कल रात लेट आए, सुबह मंगल आरती में थे, लेकिन ये सब कुछ रियलाइज करना आपके लिए मुश्किल है। नहीं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है। आई नो व्हाट महाराज इज डूइंग फॉर अस। यस आई एग्री यू नो, बट आई थिंक यू डोंट रियलाइज। रियलाइज व्हाट प्रभु जी? ये सब तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम उस उम्र में पहुंचोगे। अभी कोई आइडिया ही नहीं है कि आपको ओल्ड एज होती क्या। घर में कोई बुजुर्ग है? नहीं प्रभु जी, दादाजी तो बचपन में ही गुजर गए थे और दादी जी को गुजरे भी 5 साल हो गए। That's why you have no idea what old age is. Maybe you are right. लेकिन तुम्हें तब समझ में आएगा जब बैठने के लिए भी तुम्हें सहारा ढूंढना पड़ेगा। मुझे आज भी उनके वो शब्द याद हैं कि बेटा, जब आप मेरी उम्र के होगे तब समझोगे। डियर गुरुदेव, आज जब भी मैं उठता हूं तो सबसे पहले मुझे उठने के लिए दवाई चाहिए होती है। रोज उठते समय यही डर लगता है कि पता नहीं आज किस किस अंग में कितना दर्द होगा। बीपी और शुगर और घुटने के दर्द की दवाई तो ऐसे है जैसे प्रसाद के साथ मीठा। प्रसाद की तो फास्टिंग हो जाती है, दवाई की तो फास्टिंग भी नहीं कर सकता। पहले घर से मंदिर जाने में सिर्फ 10 मिनट लगते थे, और अब तो अपने कमरे से बाहर निकलने में 15 मिनट लग जाते हैं। और अगर कभी खुद से मंदिर जाना पड़ जाए तो घर से निकलता तो मैं मंगल आरती के लिए हूं, लेकिन पहुंचते पहुंचते दर्शन आरती का समय हो जाता है। गुरुदेव, पता नहीं मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ये सब कैसे कर लेते थे। आपकी कृपा से अभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता हूं। याद आते हैं वो दिन जब मैं गाड़ियों के पीछे भागा करता था और प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करता था, और आज
आज खड़ा रहता हूं बस एक वृक्ष की तरह। हाँ, कोई कोई श्रद्धालु होते हैं जो देखते हैं कि बुजुर्ग है तो कुछ तो ले ही जाते हैं, और जिसको नहीं लेना होता तो नहीं लेते। खैर, मैं कर भी क्या सकता हूं। आपके बारे में मैं सुनता था कि आप 70 की उम्र में भी पूरी दुनिया ट्रेवल करके प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते थे, लेकिन गुरुदेव आपने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि ये सब कितना मुश्किल है। एक बार डॉक्टर से सुना था कि आपकी स्थिति ऐसे है कि आप एक सिक्का भी नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको हमेशा अपने विग्रहों को दीप उठाकर दिखाते हुए देखा है। यू ऑलवेज इंस्पायर्ड अस गुरुदेव बाय योर एक्शंस एंड वर्ड्स। आप जहां भी गए हमेशा वहां कृष्ण कथा की, चाहे आपका गला ठीक हो या खराब। मुझ जैसा बद्ध जीव ये कभी आपकी महानता नहीं समझ पाएगा, क्योंकि शायद मैं उस लायक ही नहीं हूं। लेकिन हां, अगर आपकी कृपा रही तो एक दिन जरूर समझ पाऊंगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है, क्योंकि क्योंकि एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, और उसका जवाब यही मिलता है कि मैं कर ही क्या सकता हूं, क्योंकि जो आपने हमारे लिए किया है उसका ऋण तो मैं अपने हजार जन्मों में भी नहीं चुका सकता, हजार जन्मों में भी नहीं चुका सकता गुरुदेव। योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट दया सुंदर नेताही दास। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पता था कि सबसे पहले आप ही का सबमिशन आएगा। हम हर साल जब भी ये सेवा शुरू करते हैं ना, सबसे पहले आप ही का मैसेज आता है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर इंस्पायरिंग मी टू डू माय सेवा नाइसली। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन है जो आपको इंस्पायर कर रहे? अरे प्रभु जी, हैं एक भक्त दिल्ली से। मैं पिछले 7 साल से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की व्यास पूजा बुक की सेवा कर रहा हूँ। अरे जब भी हम ये डेट डिसाइड करते हैं ना कि भक्त इस डेट से लेकर इस डेट तक अपनी ग्लोरिफिकेशन सेंड करेंगे, डे वन तो छोड़ो, कुछ भक्तों हैं जो लास्ट डेट के बाद भेजते हैं और फिर कहते हैं कि प्रभु जी प्लीज एडजस्ट कर लो ना, हमारा भी लगा दो ना नंबर, ये करते हैं। अब मानोगे, पहले 10-15 दिन तो हम ऑलमोस्ट फ्री बैठे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये प्रभु जी का मैसेज डे वन पे आएगा। एक आएगी फोटो व्हाट्सएप पे और साथ में एक ऑडियो मैसेज। बेटा आई एम सॉरी, मैं टाइप नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा लिख कर ही भेजता हूँ। आई होप आपको इसे लिखने में तकलीफ नहीं होगी। वो क्या है ना, मेरी उंगलियों में थोड़ा दर्द रहता है और आई साइड भी वीक है, इसलिए मोबाइल में लिख नहीं पाता। यू नो, मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से ना कभी मिला नहीं, लेकिन मैं जब भी प्रभु जी के द्वारा भेजी हुई ग्लोरिफिकेशन पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आई नो हिम, जैसे महाराज मेरे साथ ही हैं। नाइस। एक बार मैंने उन्हें मजाक मजाक में बोल दिया कि प्रभु जी टाइप करके भेज दो, कितना टाइम जाता है, और पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? जब मेरी उम्र के होगे ना तब पता चलेगा। कृपा बिंदु दिया करो दासे तृण पे खाती ही ना। कृपा बिंदु दिया करो दासे तृण पे खाती ही ना। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्प्रिहा ही ना। सकल सहने बल दिया करो निज माने। खाती ही ना।
दासे तृण पे खाती ही ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि पुणे में जब महाराज लास्ट आए थे तो महाराज का दिल्ली से पुणे आना और पुणे आकर के उस प्रोग्राम में बैठना, इसमें जितना श्रम लगा है वो श्रम पुणे के हजारों हजारों भक्तों के एक महीने तक प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन से कई ज़्यादा है। उन्होंने इतना श्रम किया और ये प्रभुपाद के प्रति उनका समर्पण है। ये प्रभुपाद के पुत्र हैं, वास्तविक पुत्र हैं, जिन्होंने अपने उदाहरण से हमको सिखाया है कि कैसे एक क्षण भी प्रभुपाद की सेवा के अलावा नहीं निकलना चाहिए। जब उनके सेक्रेटरी की मैं ऑफरिंग सुन रहा था, वो बता रहे थे कि महाराज कैसे एक एक क्षण प्रभुपाद की सेवा में नियोजित करने का संकल्प करते थे और उनके सेक्रेटरीज बोलते थे महाराज आप रुक जाइए, अभी एक स्थान पे रहिए। महाराज मानते नहीं थे। जब लास्ट देहरादून में महाराज का शरीर त्याग हुआ तो वहाँ पर जाने के लिए भी उनके सेक्रेटरी मना कर रहे थे कि आप महाराज रुक जाइए, रेस्ट कीजिए। महाराज बोले नहीं, मैंने ही सबको बुलाया है, मैं होस्ट हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तो कैसा लगेगा। कितना विचार है, कितना आदर्श है, लेकिन मैं सबको बुलाया है इसलिए वो वहाँ पर गए। और उसमें भी कई मुश्किलें आई जाने में भी, एक दिन जाने वाले थे फिर अगले दिन गए, वहाँ जाके भी तबीयत ठीक नहीं थी। आखिरी दम तक प्रभुपाद की सेवा है, ये हम प्रभुपाद के शिष्यों से समझते हैं। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला था सर्विस नाउ समाधि लेटर, अभी सेवा करो समाधि बाद में, भजन बाद में, एकांत बाद में। ये प्रभुपाद की शिक्षा है जो उनके शिष्यों ने पकड़ के रखी। अभी भी हम देखते हैं एक भी प्रभुपाद डिसाइपल ऐसा नहीं है जो अब किसी से मिलते नहीं है, बोलते नहीं है अभी एकांत में भजन करते हैं। एक भी प्रभुपाद डिसाइपल ऐसा नहीं है, वो अभी भी लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, भक्तों को गाइड कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स खोल रहे हैं। जब न्यू जर्सी में था, गोरखपुर, मुझे बोल रहे थे कि आपके गुरुमा जी इतनी उम्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों शुरू कर रहे हैं, तब डीलैंड का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। बोला प्रभु जी वो तो आपको ही आंसर मालूम है, मैं क्या बोलूं। गौरांग प्रभु बोले थे उस टाइम, जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है ना, चैतन्य महाप्रभु के बातुल पागल उनको कौन संभाल सकता है, वैसे ही प्रभुपाद के ये बातुल हैं। प्रभुपाद के लिए जो पूरे पागल हो गए हैं उनको कौन पकड़ के रख सकता है, वो अंत समय तक प्रभुपाद की सेवा करेंगे। ये उनके लिए, प्रभुपाद के लिए उनकी कृतज्ञता है, ये गुरु भक्ति है। हम लोग तो बहुत उत्साहित रहते हैं हमारी दीक्षा हो जाए, हमें नया नाम मिल जाए, माला मिल जाए, नाम के आगे हिसग्रेस लगेगा। वास्तविक दीक्षा क्या है, यह है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, खुद को गुरु के चरणों में दे दिया बस, अब कुछ भी हो गुरु की सेवा ही सब कुछ है। उस तरह महाराज ने अपने उदाहरण से सिखाया है। मैं ज़्यादा लीला से ज़्यादा महाराज की विल पे थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने यद्यपि इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल महाराज के शिष्यों के लिए नहीं, ये सब इस्कॉन के भक्तों के लिए है, क्योंकि तो महाराज वास्तव में पूरे इस्कॉन के आश्रय हैं और उन्होंने जो ये संदेश दिए हैं। वास्तव में होता क्या है, कई जो इस्कॉन में इससे महाराज से पहले जो गुरु डिपार्ट हुए हैं, उस समय इस्कॉन में नियम नहीं था विल लिखने का, तो किसी ने भी विल लिखी नहीं है इससे पहले। जैसे श्री श्रीमद भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गौर गोविंद स्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, ये सब ने अपना शरीर पहले छोड़ा है और सभी अपने आप में अभूतपूर्व उदाहरण है। सबके जीवन पर हम दिनों दिन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम इस्कॉन में नियम नहीं था विल लिखने का, तो हो सकता है वो भी बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन हम तक इस सूत्र रूप में नहीं मिला। प्रवचनों में निर्देश हैं, डिसाइपल्स को अलग अलग बोला है, वो सब है, लेकिन
महाराज ने जो विल लिखी है एक तरह से उन्होंने सार निचोड़ दे दिया है। अपने 57 ईयर्स ऑफ सर्विस इन इस्कॉन, उसका सार निचोड़ उन्होंने इन पत्र में दे दिया है। ये हमारे लिए वास्तव में सबके लिए, एक एक भक्त के लिए ये निर्देश है, इसलिए इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना है। कोई भक्त पढ़ सकते हैं इसको? I have always been loyal to the governing body commission of ISKCON and the teachings of Prabhupada, the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, as reflected in his books. I would like all my disciples to follow the GBC body. I have never taken one step out of ISKCON and I desire that they render their services in ISKCON and not run here and there looking for some easy way out. महाराज बोल रहे हैं कि मैं मेरे पूरे जीवन भर इस्कॉन और जीबीसी के अधीनस्थ रहा हूँ। व्हाट यू कॉल लॉयल, लॉयल का सही भाषांतरण क्या है? निष्ठावान रहा हूँ और मैंने एक पैर भी इस्कॉन से बाहर नहीं रखा, इस्कॉन की शिक्षा के बाहर नहीं गया मैं। अब मैं से कोई बोल सकता है इस तरह? और भक्ति को कितना कुछ महीने हुए हैं, क्या हम लोग इस तरह बोल सकते हैं? 57 साल की भक्ति, महाराज बोल रहे हैं एक पैर भी मैंने इस्कॉन के बाहर नहीं रखा है। ये होती है निष्ठा। जब प्रभुपाद का तिरुभाव हो गया था, और अब थोड़ा विचार कीजिए, अभी तो गुरु का तिरुभाव होता है तो बाकी बहुत वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु के गुरु भाई होते हैं, बहुत कुछ आश्रय हमको इस्कॉन में मिलता है, लेकिन जब प्रभुपाद का तिरुभाव हुआ था तो कोई नहीं था, कोई भी संभालने वाला नहीं था, और सब प्रभुपाद के शिष्य 20-25 एटमोस्ट 30, सबसे वृद्ध थे 30 साल के कीर्तनंद महाराज, बाकी सब 20s में, कोई तो 90 मतलब टीन्स में थे अपने। कौन किसको संभालेगा? श्रुत कीर्ति प्रभु बता रहे थे अपने रिमेम्बरेंस में, वो जब ये खबर सुने कि प्रभुपाद तिरुभाव हो गए हैं तो वो बाहर थे मंदिर के, और उनको जब ये सूचना फोन पे आई तो वो मंदिर जा रहे थे ड्राइव करके, और इतना होश खो दिए कि मंदिर को मतलब गाड़ी को मंदिर की दीवार में ठोक दिए। कौन किसको संभालेगा? लेकिन उस समय पर कुछ भक्तों ने सोचा चलो हम गौड़िया मठ में जाके शिक्षा लेंगे, तो अलग अलग भक्त वहां जाने लगे। मथुरा में एक बहुत फेमस सन्यासी थे गौड़िया मठ के, उनके पास बहुत लोग जाते थे। केवल एक गोपाल कृष्ण महाराज ऐसे थे जो एक पैर भी कृष्ण बलराम मंदिर से बाहर नहीं रखा। प्रभुपाद ने अपने भक्तों को वृंदावन में बोला था कि कृष्ण बलराम मंदिर का जो आंगन है इसके अंदर सारे तीर्थ हैं, एक पैर भी बाहर रखने की आवश्यकता नहीं, तुमको सब कुछ यहीं मिलेगा। उन्हें एक पैर भी बाहर नहीं रखा। ये उनकी प्रभुपाद के प्रति निष्ठा है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं और हमको सब कुछ देने में सामर्थ्य है। शुद्ध भक्ति के लिए हम इस्कॉन में आए हैं, ये नहीं कि अभी इसकी वीडियो अच्छी लगने लगी, उसकी वीडियो अच्छी लगी, चलो ये सुन लेता हूँ, चलो वो सुन लेता हूँ। ये वैश्यवृत्ति है। सती नारी कभी इधर उधर नहीं जाती, ये गुरु के प्रति निष्ठा है महाराज की। विवेक बिंद्रा प्रभु अपने ऑफरिंग में बता रहे थे बागेश्वर बाबा महाराज से मिलने के लिए आए, बड़े फेमस हैं, लोग बड़े देखते हैं, मध्य प्रदेश में तो है ही फेमस। महाराज ने उनको क्या बोला? धीरे से जादू थोड़ा कम दिखाया करो, भक्ति में लाओ लोगों को, ये मुख्य बात है। ऐसा नहीं है शुद्ध भक्त के पास सिद्धियां नहीं है, शुद्ध भक्त के पास भी सारी सिद्धियां होती हैं। एक और भक्त शेयर कर रहे थे, एक दिन उनकी कुछ मीटिंग होने वाली थी और उस मीटिंग में ऐसा उनको लग रहा था कि लड़ाई झगड़े होंगे, तो वो ये चाह रहे थे कि मीटिंग ना हो। अब महाराज के पास वो फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे और उनको एक और बात पूछनी थी कि वो मंदिर के लिए एक बड़ा कुछ मशीन खरीदना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन भी उनको लेनी थी। अब दोनों बातें करनी है, महाराज को बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, नो रिस्पांस आ रहा है। उनके सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया, उसने बोला महाराज बहुत बिजी हैं। बोले नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम बाद मीटिंग होने वाली है और मुझे लग रहा है कि मुझे महाराज से बात करनी चाहिए। तो इतने में महाराज ने बात सुन ली, महाराज ने फ़ोन लिया, मैंने बोला जो तुम मीटिंग के बारे में मुझसे बात करना चाह रहे हो उसको कैंसिल कर दो और जो मशीन खरीदना चाह रहे हो उसको खरीद लो। हक्का बक्का रह गया, ये कैसे दोनों बात पता पड़ी महाराज? शुद्ध भक्त सिद्धियां दिखाते नहीं, इसका मतलब ही नहीं शुद्ध भक्त के पास सिद्धियां है नहीं।
क्योंकि ये बहुत सस्ता सस्ता शो है। हम लोग बचपन में जाते थे पीसी सरकार का जादू देखने। गुरु ये जादूगर नहीं है, उनके कदमों में ये सारी सिद्धियां होती है। दूसरे भक्त शेयर कर रहे थे, एक बार चांदनी चौक की रथ यात्रा थी, महाराज खड़े हुए थे, बहुत बारिश हो रही थी। महाराज ने ऊपर देख के बोला, इंद्र बंद करो। 3 सेकंड के अंदर बारिश रुक गई। इसमें हरिबोल नहीं करना है, ये महाराज ने छोड़ा है। इन सब को छोड़ के प्रभुपाद के आश्रय में रहे हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं, सब लोग प्रभुपाद के आश्रय में रहो। अगला निर्देश पढ़िए। द गुरु मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन टू वे, थ्रू वापू एंड थ्रू वाणी। वापू यू मे हैव हर्ड मेनी टाइम्स, इट्स टेंपरेरी, वाणी इज परमानेंट। सो ऑल मेनी इंस्ट्रक्शंस आर ड्रॉन एंड देयरफॉर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्रभुपाद को। ये भी हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। गुरु का संग दो तरह से मिलता है, वपु और वाणी। वपु का संग पहली बात तो सीमित है, किसी वक्त को मिल सकता है, किसी को नहीं भी मिल सकता है। लेकिन वाणी शाश्वत है और सबके लिए एक्सेसिबल है। सभी लोग वाणी की सेवा कर सकते हैं और गुरु वाणी के माध्यम से शिष्य के साथ रहते हैं। अब अगर इतनी लाइन अगर महाराज लिखते केवल वाणी इस परमानेंट तक, तो शिष्य लोग क्या समझते, हम लोग क्या समझते, हाँ महाराज बोल रहे हैं, महाराज के इंस्ट्रक्शन सुनने हैं और वो सुनने हैं। नहीं, प्रभुपाद क्लियर कर दिया महाराज ने। लेकिन मेरे सारे निर्देश कहाँ से आए हैं, प्रभुपाद की पुस्तक से आए हैं। तो क्या पढ़ना है, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है। कितना क्लियर है, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद की शिक्षाओं को दोहरा रहा हूँ। महाराज को किसी ने पूछा, महाराज आप कोई पुस्तक क्यों नहीं लिखते, महाराज बोले मैं क्यों पुस्तक लिखूं जब मेरे गुरु महाराज इतनी पुस्तक लिख के गए, वो पढ़ ली क्या तुम लोगों ने पहले। तो प्रभुपाद जब सारे निर्देश देके गए तो अलग से पुस्तक का क्या लाभ है। ये महाराज की श्रद्धा थी प्रभुपाद की पुस्तकों के लिए। देवी शक्ति माता जी बता रही थी कि कैसे माता जी इंचार्ज है वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज आपकी पुस्तक भी हम रखें क्या यहाँ पर। महाराज बोले एब्सोल्यूटली नॉट, मेरी पुस्तकें नहीं, प्रभुपाद की पुस्तक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इनके ऊपर हमारा आंदोलन आधारित है। नेक्स्ट। श्री प्रभुपाद हैड सेड योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट अमंगस्ट योरसेल्फ एंड माय डिजायर फ्रॉम ऑल माय डिसिपल्स इज द सेम टू कोऑपरेट अमंगस्ट देमसेल्फ एंड विद इस्कॉन अथॉरिटी फॉरएवर। श्री प्रभुपाद के अंतिम दिनों में जब प्रभुपाद बहुत अस्वस्थ थे तो कई भक्तों के पत्र प्रभुपाद के पास आते थे, और एक पत्र प्रभुपाद के पास एक भक्त ने लिखा जो कि बहुत ही भावपूर्ण पत्र था, और उस पत्र में उसने लिखा था कि प्रभुपाद हम भागवत में देखते हैं कि पुत्र पिता को अपना यौवन देते हैं, तो क्या मैं भी अपनी आयु आपको दे सकता हूँ, काश मेरी आयु आपको चली जाए तो ये आंदोलन कितना अच्छे से बढ़ता चला जाएगा, मेरा जीवन तो बेकार है लेकिन आपको भक्त लोग बहुत प्रेम करते हैं। ये पत्र पढ़ के श्री श्रीमद भक्तिचारु स्वामी महाराज बहुत इम्प्रेस हो गए, अरे कितना सुंदर पत्र है। तो प्रभुपाद के सामने वो पत्र पढ़ा गया। प्रभुपाद ने जब वो पत्र सुना तो सब भक्त सोच रहे थे कि प्रभुपाद तारीफ करेंगे या क्या करेंगे। प्रभुपाद ने पत्र सुन के बोला, इफ यू लव मी कोऑपरेट विथ ईच अदर, वास्तव में मेरे से अगर प्रेम करते हो तो वो प्रेम होना चाहिए आपस में सहयोग करने के लिए। केवल सहयोग कर, सहयोग मतलब एकदम न्यूट्रल, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। कोऑपरेशन करना, समन्वय बिठा के चलो, सहयोग करो, एक दूसरे को प्रेम करना, सेवा करना बहुत ऊपर की बात है, कम से कम लड़ाई झगड़ा मत करो। सब कुछ छोड़ के आए हैं, फिर मंदिर में आकर के हम लोग थोड़ी देर के लिए संगति करते हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये प्रभुपाद की शिक्षा हमारे लिए है, इफ यू लव मी कोऑपरेट विद ईच अदर। महाराज बोल रहे हैं इसलिए मैं आप सबको यही इच्छा रख रहा हूं कि आप लोग भी साथ में सहयोग करें, और ऐसा नहीं साथ में सहयोग करने का मतलब गुटबाजी करके फिर अथॉरिटी के सामने जिंदाबाद जिंदाबाद, अथॉरिटी के साथ भी सहयोग करना है।
मैं गुरु महाराज को देखता था, गुरु महाराज के सामने जब भी कोई अथॉरिटी की कंप्लेन लेके आते थे गुरु महाराज बहुत नाराज हो जाते, बोलते थे मेरे सामने अथॉरिटी की कंप्लेन नहीं करना है ना। हमारे सुमंगल माधव प्रभु हमेशा बोलते बॉस इज ऑलवेज राइट, जो भी हो अथॉरिटी की बात मानना है। ये हमारे लिए तपस्या है, ये हमारे लिए शुद्धिकरण है, ये सोचना है। सबको तो दिमाग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबके अंदर बुद्धि है, सबको पता है कैसे क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप की बुद्धि को पीछे रख के जब हम सहयोग करते हैं ये गुरु को प्रसन्न करता है। ये सहयोग बहुत आवश्यक है। एक बार महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप तो बोल रहे हैं सबसे सहयोग करो ये करो, लेकिन मेरी वृत्ति है कि मैं अपराध करता हूँ। तो महाराज ने पूछा तुम कितना अपराध कर सकते हो, तो बोले महाराज मैं आपको भी अपराध कर सकता हूँ। तो महाराज बोले तुम एक काम करो, जब भी तुम्हारा मन हो अपराध करने का तो तुम मुझे आकर के सुनाया करो, लेकिन और किसी वक्त से झगड़ा मत करना। ये महाराज की सहिष्णुता थी। एक बार जब नए नए थे महाराज, ये आपको कथा पता है, एक भक्त ने किसी भी व्यंग वश हो या जो भी वश हो महाराज को थप्पड़ मार दिया था। महाराज काफ़ी नए थे उस समय, और यद्यपि महाराज शांत थे लेकिन ये बात प्रभुपाद तक पहुंची। प्रभुपाद ने बुलाया दोनों को, प्रभुपाद ने उस भक्त से पूछा, महाराज बोले नहीं प्रभुपाद तो हम लोग गुरु भाइयों के बीच में चलता रहता है। प्रभुपाद बोले नहीं, प्रभुपाद उस भक्त को डांटने लगा। प्रभुपाद ने उस समय स्टेटमेंट दिया कि तुमको पता नहीं है जिसको तुमने थप्पड़ मारा एक दिन आगे जाके मेरा इस्कॉन ये संभालने वाला है। ये महाराज के गुण थे, कॉपरेशन। आखिरी आखिरी के दिनों में, क्योंकि महाराज के काफ़ी शिष्य हो गए थे, काफ़ी प्रोजेक्ट भी हो गए थे, तो जब संस्था बढ़ जाती है तो थोड़ी समस्याएं आती ही हैं, तो काफ़ी महाराज के सामने काफ़ी मुद्दे आते थे हर कभी मीटिंग्स में। तो कभी कभी जब ज़्यादा क्लैश होते थे तो महाराज बहुत इमोशनल हो जाते थे, महाराज की आंखों में कई बार आंसू भी आ जाते थे। महाराज शिष्यों से बोलते थे कि यूनिटी फॉर द प्लेजर ऑफ शिला प्रभुपाद इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशंस। अपने खुद के एम्बिशंस पूरा करने की बजाय प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए सहयोग करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। राधानाथ महाराज भी बोलते हैं कि कलेक्टिव यूनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल प्यूरिटी। अकेले रहकर के करामात दिखाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथ में रहकर के सहयोग करना। ये सबसे बड़ी भेंट हम गुरु को दे सकते हैं, सहयोग, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति। हमने पिछला पूरा सेशन इसके ऊपर किया था कि कैसे दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, ये हमें सीखना है। नेक्स्ट, I were to pass away outside India, I will be grateful if my body could be brought to Vrindavan or Mayapur and kept in Samadhi there. If I were to pass away in North India, I would like my Samadhi to be in Vrindavan. If I were to pass away nearer to Mayapur, I would like my Samadhi to be in Mayapur. There is a plot of land in Vrindavan where my disciples wanted to construct a house for me. I did not encourage that. It's my desire that this particular land should be donated to ISKCON Vrindavan for any purpose they may deem fit. Maharaj ka aakarshan dham ke prati to tha hi, lekin usme bhi Maharaj ye nahi bol rahe ki mere liye aisa karna hi padega. Maharaj bole I will be grateful, मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा यदि मेरा शरीर कहीं छूटे, मेरे शरीर को आप मायापुर वृंदावन ले आइए। और शिष्यों ने प्लान किया था, क्योंकि इस्कॉन का क्या नियम है, इस्कॉन का नियम है कि जीबीसी जितनी साइज की परमिशन देगी उतनी बड़ी समाधि बना सकते हैं। जैसे मायापुर में हमारे गुरु महाराज के लिए 9x6 की परमिशन दी है, तो 9x6 उतना ही बना सकते, उससे बड़ा नहीं छोटा नहीं, उतना ही कर सकते हैं। इस्कॉन का नियम है क्योंकि प्रभुपाद को केंद्र रख के सोसाइटी को चलाना है। तो शिष्यों ने सोचा ठीक है हम अलग से एक जमीन लेंगे, वृंदावन तो वृंदावन है, वहाँ पर महाराज को समाधि देंगे और बड़ी एक समाधि बनाएंगे, मेमोरियल बनाएंगे, वहाँ बहुत कुछ बनाएंगे। तो महाराज को ये बात पता पड़ गई, तो महाराज ने आदेश दे रहे हैं कि जो लैंड मेरे लिए रखी है वो इस्कॉन वृंदावन को डोनेट करो, इस्कॉन वृंदावन जो यूज़ करेगा उस तरह यूज़ करना है, लोकल टेम्पल।
और मेरी समाधि, महाराज एक्चुअली सारण ठाकुर को बता रहे थे कि जब लास्ट वृंदावन गए थे तो समाधि एरिया में दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पर महाराज ने गुरु महाराज की समाधि देखी। गुरु महाराज समाधि नई नई वहाँ पर एक्चुअली बनी नहीं थी, उसका स्पॉट फिक्स हुआ था। तो महाराज ने बोला ठीक है मेरी समाधि इस स्थान पे होगी। तो एकदम आमने सामने गुरु महाराज की समाधि और महाराज की समाधि है। बोले मैं अपने गुरु भाइयों के साथ रहना चाहता हूँ। तो इस तरह उनका विचार था। महाराज कभी भी पसंद नहीं करते थे कि उनके लिए कोई भी अलग से तैयारियां की जाए, अलग से व्यवस्था की जाए, सब कुछ प्रभुपाद के लिए। भक्त लोग बताते हैं कि महाराज ने लिफ्ट यूज करना अभी कुछ सालों पहले यूज शुरू किया था, नहीं तो लिफ्ट भी यूज नहीं करते थे। जब दिल्ली का मंदिर नया नया बना था, आप में से कौन कौन गए हैं ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर, दिल्ली का मंदिर? कुछ ही भक्त गए हैं। वो क्या अपने आप में एक इमारत, मतलब पहाड़ के ऊपर बना है, तो उसमें क्या लिफ्ट्स हैं ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। तो जब नया नया मंदिर बना था तो उस समय महाराज जा रहे थे, उनके साथ में भक्त लोग थे, तो भक्त ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। तो महाराज इतना नाराज़ हो गए, इतना नाराज, महाराज बोले तुमको पता है एक बार लिफ्ट नीचे ऊपर जाने में कितना खर्चा होता है? नहीं महाराज, बोले 2 रुपये का खर्चा होता है पूरा। नहीं, प्रभुपाद की संपत्ति इस तरह वेस्ट करोगे? मैं क्या पैदल चल के नहीं जा सकता हूँ? प्रभुपाद की संपत्ति है इस तरह महाराज की। एक और बार भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज थे, वो एक स्थान पे महाराज को लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर ना 2 पिक्चर लगे हुए थे, तो वो दिखा रहे थे, महाराज देखिए राधा कुंड का पिक्चर, गोवर्धन का पिक्चर, ये पिक्चर वो पिक्चर। महाराज बोलते तुमको पिक्चर दिख रहे हैं लेकिन वो फालतू लाइट ऑन है, वो नहीं दिख रही है, पहले वो जाके बंद करके आओ। ये प्रभुपाद की संपत्ति है, खुद के लिए नहीं, प्रभुपाद के लिए। ये उनका त्याग है। भक्ति प्रेम महाराज भी अपनी ऑफरिंग में बता रहे थे कि जब महाराज को रिसीव करने गए GBC मीटिंग के टाइम पे, महाराज बोले ये मंदिर की गाड़ी है? नहीं महाराज, एक्चुअली उस टाइम पे क्या था, GBC मीटिंग चल रही थी, तो कई महाराज की अलग अलग टाइमिंग्स थी, तो कई समय हम गुरुमाच की गाड़ी भेजते थे, कई पे इनोवा भेजते थे, कई बार अलग अलग भक्तों की गाड़ी भी थी। तो इंदौर के एक भक्त बहुत जिद्दी कर रहे थे कि महाराज को मैं ही लेके आऊँगा, उनकी काफ़ी बड़ी BMW थी ना, क्या गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, बोले मैं ही लेके आऊँगा। तो ठीक है भाई, तुमको भी एक सेवा करनी है और हमारे पास भी गाड़ी नहीं है, ठीक है। वो गाड़ी लेके गए, अच्छी काली कलर की गाड़ी थी, शाइनिंग, लंबी चौड़ी। महाराज से देख के समझ गए इस्कॉन के मंदिरों में ऐसी गाड़ी कहाँ है, हमारे पास तो ओमनी होती है। महाराज बोले ये मंदिर की गाड़ी है? नहीं, बोले फिर मंदिर की गाड़ी कहाँ है? भक्ति प्रेम महाराज बोले नहीं महाराज, वो मंदिर की गाड़ी। बोले नहीं, मेरे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना, मैं मंदिर की गाड़ी में जाऊँगा। फिर महाराज को समझाया कि इस तरह अलग अलग सन्यासी जा रहे हैं। फिर महाराज आए, आने के बाद उनका व्यवस्था किया था एक स्वीट रूम, सेकेंड स्वीट रूम में, 2 स्वीट रूम है, फर्स्ट सेकेंड स्वीट रूम में व्यवस्था किया था, अल्टर रखा था एक। तो महाराज वो देख के भी नाराज हो गए, बोले ये मेरे कमरे में अल्टर क्यों? बोले महाराज, बोले सबके कमरे में अल्टर है क्या? भक्ति प्रेम महाराज बोले महाराज सबके पास DT भी तो नहीं है, DT तो आपके पास ही है। तो महाराज बोले फिर भी मेरे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर महाराज ने बोला महाराज एक्चुअली क्या है, हमारी अल्टर वर्कशॉप है, बहुत सारे अल्टर हैं, रखने की जगह नहीं रहती है, इसलिए आपके कमरे में एक अल्टर रख दिया। तो ये सुन के महाराज बोले ठीक है कोई बात नहीं, महाराज तो जानते हैं। लेकिन वो कितना सतर्क हैं उस पोजीशन पे जाने के बाद भी, कितने सतर्क हैं कि नहीं मेरे लिए कोई स्पेशल अटेंशन नहीं होना चाहिए। छोटी सी वीडियो है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृण पे काती ना, सकल सहन बल दिया कर निज मन सकले सम्मान करते सकति देहनाथ जथा जथ तब तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध विहत। महाराज जब पाकिस्तान वगैरह में प्रीचिंग शुरू किए,
एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला था कि जो भी मुसलमान देशों में जाके प्रचार करेगा उसके चरणों की धूल में अपने मस्तक में लूंगा, ये प्रभुपाद ने बोला था। तो कई भक्त एनकरेज हो गए, गए भी, लेकिन कोई प्रचार कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो महाराज ने फिर प्रभुपाद के जाने के बाद पाकिस्तान अलग अलग मुसलमान देशों में जाके प्रचार शुरू किया। वहाँ पर महाराज इस तरह सफारी सूट, इस तरह टोपी भी पहना है, पहन के प्रचार करते थे। और पाकिस्तान में इतना प्रचार बढ़ गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शूट एट साइट ऑर्डर महाराज के लिए जारी किया। अब जनरली कोई के लिए शूट एट साइट मतलब देखते ही गोली मार देना है। अब ये अगर कोई के लिए जारी हो तो हमको तो बड़ा ऐसा लगेगा, अरे कितना बड़ा क्रिमिनल होगा। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में कितनी गर्व की बात है कि महाराज ने ऐसा प्रचार पाकिस्तान में जाके कर दिया कि उनके लिए शूट एट साइट ऑर्डर, और वहाँ 12 मंदिरों की स्थापना महाराज ने पाकिस्तान में की। तो ये महाराज का प्रचार के लिए उत्साह था। यस और तो रथ यात्रा निकाल रहे हैं महाराज, बोले रथ यात्रा क्यों नहीं निकलेगी, रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो इस तरह, और पाकिस्तान के भक्तों को वीजा नहीं मिलता है इंडिया का, फिर भी कई सालों तक अप्लाई करते 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 अभी 2 साल पहले पहली यात्रा पाकिस्तान से भारत आई थी। भक्तों के जो वहाँ के भक्त बने हुए हैं उनकी यात्रा लेकर के भक्त लोग यहाँ इंडिया आए थे दर्शन करने के लिए। ये महाराज के प्रचार का प्रकोप। यस पढ़िए। आई डोंट रियली हैव एनी एसेट्स, कैश, बैंक डिपॉजिट, लॉक बॉक्स, व्हीकल्स, स्टॉक्स और एनी अदर प्रॉपर्टी इन माय नेम। ऑल द प्रॉपर्टीज इन द ज़ोन्स मैनेज्ड बाय मी इन इस्कॉन आर रजिस्टर्ड लीगली इन इस्कॉन्स नेम एंड देयर इज नथिंग in my name except a Rolex watch gifted by Srila Prabhupada in 1977, my laptop and 2 mobile. I desire that this watch be handed over to one of my disciples who helped me serving Srila Prabhupada. The laptop and mobile with all the logins and passwords will be in the custody of whomever will be my secretary at the time of my leaving my body. My clothes and sweaters can be distributed to disciples and other devotees by the team of my assistants. I have not authored any book except some legal lecture transcripts bought out by different disciples at different places. There is no copyright owned by me on this. जो पूरे इस्कॉन के इतने वरिष्ठ लीडर हो, सन्यासी हो, जिनके 50,000 से ज़्यादा दीक्षित भक्त हैं, 200 से ज़्यादा मंदिर निर्माण और खोलने में जिनका सहयोग हो, 30 से ज़्यादा जगहों के GVC हो, इस्कॉन ब्यूरो के चेयरमैन हो, ऐसे भक्त के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये इस्कॉन के सन्यासी है। जो लोग बोलते हैं इस्कॉन पैसा विदेश दे भेजता है, उनको थोड़ा ये बिल दिखाना चाहिए। ये हमारे लीडर की विल है, जिनके नाम पे कुछ भी नहीं है। ये निस्वार्थ सेवा है प्रभुपाद के चरणों में। गुरुमाज के तिरुभाव के बाद भी हमको GVC की तरफ से एक लॉयर अपॉइंट हुए थे, उन्होंने फ़ोन लगाया, बोले आपके गुरुमाज के नाम पे क्या क्या है बताओ, हमको इस्कॉन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हमने कहा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, गुरुमाज के नाम पे कुछ नहीं है, जो कुछ है इस्कॉन के नाम पे है। ये प्रभुपाद के शिष्यों का है। और क्या संपत्ति बता रहे हैं, प्रभुपाद ने घड़ी दी थी, वो घड़ी मेरी संपत्ति है। वो घड़ी के भी कई लीलाएं हैं। एक बार महाराज कहीं यात्रा कर रहे थे, रास्ते में रुके गैस स्टेशन पे, अच्छा बाथरूम में वो घड़ी लेके नहीं जाते थे, तो पेट्रोल पंप में बाहर घड़ी रखी, वॉशरूम यूज़ करने के लिए गए, वापस आए घड़ी छूट गई, आगे चले गए। तो जैसे ही याद आया ऐसे झटपटाने लगे जैसे मानो कोई मछली जल से बाहर आ गई हो, ऐसे झटपटाने लगे। बोले मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी घड़ी वापस लेके चलो वापस। बोले महाराज अभी कैसे मिलेगी, नहीं नहीं वापस लेके चलो, संयोगवश वो घड़ी मिल गई। महाराज बोले मेरे प्रभुपाद ने गिफ्ट दी है, वो घड़ी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कई भक्त बताते हैं जब वो नए नए भक्त थे तो प्रभुपाद की उतरी हुई गार्लैंड उठा करके अपने घर ले जाते थे और कील ठोक के उसको सुखा करके रखते थे,
कई दिनों दिन तक वो कमरे में उनकी रहती थी, इतना प्रेम प्रभुपाद से करते थे। प्रभुपाद ने उनको जपमाला दी थी, नीम की जपमाला। तो कई भक्त लोग महाराज को बोलते थे, महाराज तुलसी की जपमाला पे जप करना चाहिए। महाराज बोले, तुलसी मेरा उद्धार नहीं करेगी, प्रभुपाद मेरा उद्धार करेंगे। प्रभुपाद ने नीम की माला दी है, मतलब यही प्रभुपाद की कृपा है। और कई बार ना लेक्चर देते देते माला में हाथ डालते थे। मैंने पुणे में पहली बार महाराज के दर्शन किया था, बार बार माला में हाथ डालते थे। तो ना प्रवचन पहली बार वहाँ सुना, तो दर्शन पहले किया, तो बार बार माला में हाथ डालते थे। तो मैंने कहा ये क्या है? तो हमने बाद में हमारे जो बेस में आते थे कन्हैया ठाकुर, उनको पूछा, तो बता रहे थे एक्चुअली महाराज से प्रश्न पूछा था किसी ने कि महाराज आप बार बार माला में हाथ डालते हैं लेक्चर देते टाइम। तो महाराज बोलते हैं, जब मुझे ये समझ में नहीं आता आगे क्या बोलना है, तो मैं माला स्पर्श करता हूँ कि प्रभुपाद ने दिए ना माला, तो प्रभुपाद से मुझे शक्ति मिलती है, फिर मैं आगे का प्रवचन देता हूँ। क्या शरणागति है प्रभुपाद के लिए, ये समर्पण है। उनकी संपत्ति है श्रील प्रभुपाद। इस तरह महाराज का पूरा विश्वास है कि जो कुछ उन्होंने किया प्रभुपाद के लिए किया, कुछ भी उनके नाम पे नहीं। यहाँ पर देखो, लैपटॉप है सेक्रेटरी को दे देना, मेरे कपड़े स्वेटर सब बांट देना, मेरी कोई भी किताब पे मेरा कॉपीराइट नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कृष्ण का है। बोलते तो लोग बहुत हैं, आप लोगों को पूछो, बोले ये कृष्ण का घर है, कृष्ण का व्यापार है, तो दो फिर कृष्ण का है, तो नहीं देंगे नहीं। महाराज ने अपने उदाहरण से सिखाया। विवेक बिंद्रा प्रभु अपनी ऑफरिंग में बता रहे थे, मैं 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वो सब लेके महाराज के पास गए, और उनको लगा महाराज खुश होंगे क्योंकि महाराज ने उनको उस तरह प्रचार करने के लिए बोला था। महाराज उनको बोले, जितना कुछ तुम्हारे पास है ना, कृष्ण एक सेकंड में ले सकते हैं, ये विश्वास हमको होना चाहिए। फिलॉसफी बोलना और उसको रियलाइज करना बहुत अंतर है। तो उस तरह महाराज का यहाँ पर वंडरफुल एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। मधुमंगल प्रभु एक और उदाहरण बता रहे थे कि कैसे महाराज हमेशा ये सोचते थे कि जो भी मंदिर उन्होंने बनाए हैं वास्तव में वो उनके नहीं है, प्रभुपाद के मंदिर है। एक दिन मधुमंगल प्रभु महाराज को पैर दबा रहे थे रात के समय। तो जब रात में पैर दबा रहे थे, एक कुत्ता भौंक रहा था। अब वो कुत्ता भौंके जा रहा है, अब कैसे सोएंगे महाराज? महाराज बोले, मधुमंगल किसी को भेजो, उसको चुप करा के आओ। कुत्ते को चुप कराना मतलब क्या है, है ना? तो वो भक्त गया, वो सीढ़ी उतर ही नहीं पाया, उसके पहले महाराज ने बोला, तुम उसको जाके समझाओ कि चुप कराना है, उसको मारना नहीं है कुत्ते को। तो प्रभु जी गए, उसको समझा के आए, भाई चुप करा के आना। महाराज बोले, प्रभु जी कुत्ते को चुप कैसे कराते हैं, कुत्ते को तो मार के भगाते हैं ना। बोले, नहीं नहीं, गुरु महाराज ने बोला है चुप कराना है, मारना नहीं है। ठीक है भाई, वो जा रहा है। उसने बोला, चलो चुपचाप से उठ को उठा के बाहर छोड़े आऊंगा। तो महाराज तो अंदर है, समझ गए। महाराज फिर मधुमंगल प्रभु बोले, जाके उसको बोलो कुत्ते को बाहर नहीं छोड़ना, रात के टाइम कहाँ जाएगा वो, ये प्रभुपाद का मंदिर है, जब हम सबको प्रभुपाद ने आश्रय दे रखा है तो कुत्ते को क्यों नहीं देंगे, तो उसको बाहर छोड़ के नहीं आना, रात के टाइम वहीं पर चुपचाप सुला देना, आवाज भी नहीं करेगा, रात में रहे सुबह चला जाएगा। ये उनका कंपैशन था। आगे एक और ये छोटी सी वीडियो है, महाराज का एक दिन का शेड्यूल इसमें बताया है। आप में से कई भक्तों ने देखी होगी, लेकिन प्लीज इसको ध्यान से देखना कि सन्यासियों का जीवन कितना कमिटेड होता है, कितना भगवान की सेवा के लिए समर्पित होता है। ये वृंदावन में महाराज गए थे, एक दिन का शेड्यूल महाराज का है, इस तरह उनकी पूरे लाइफ उन्होंने जी है। इससे ज्यादा बिजी भी होगी, ये तो एक रैंडम दिन उन्होंने सेलेक्ट किया है। कृपा बिंदु दिया करुए दासे
तृण पे खाते हैं ना गुरुदेव। कृपा बिंदु दिया करो दासे तृण पे खाते ही ना सकल सहने बल दिया करो निज मान स्प्रेहा है ना सकल सहने बल दिया करो निज मान स्प्रेहा है ना गुरु कृपा बिंदु दिया करो दासे तृण पे खाते ही ना जाता जाता सकल सम्मान करिते शकति देहनाथ जाता जाता तब तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हाथ तब तो गाइबो हरि नाम सुखे गुरुदेव कृपा बिंदु दियो करो दासे ऋण पे खाते Oh
अता विचारे किछु नाही पाए तुमर करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुमर करुणा सार। करुणा न होइले कंदिया कंदिया प्राण न राखिबो आर। करुणा न होइले कंदिया कंदिया प्राण न राखिबो आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे तृण पे खाते नहीं है, ये शरीर है भगवान का और हमने सेवा में इस शरीर का उपयोग करना किस लिए? भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये शरीर का उपयोग करना है, धर्म के संदेश का प्रचार बढ़ाने के लिए। ये होना चाहिए हम सबका भाव। नेक्स्ट पढ़िए एक बात। माय ओनली ट्रस्ट एसेट्स आर माय पर्सनल डीपीज एंड आई डू नॉट वांट दिस टू बी वर्शिप्ड बाय एनी वन इंडिविजुअल। आई देयरफॉर डिजायर दैट माय टेलीग्राम शिलास एंड द डीपीज बी केप्ट इन द ऑल्टर एंड वर्शिप एट श्री श्री राधा पार्थ सारथी टेंपल इस्कॉन दिल्ली, श्री श्री राधा
Radhika Raman temple is on Punjabi Bagh and could be divided among other temples in my zones. I desire so as if the deities are part of the temple altar, then they will be safe, and in case they are worshipped by individuals, they could be abandoned. महाराज जब पहली बार इस्कॉन के साथ जुड़े थे मॉन्ट्रियल टेम्पल में, तो मंदिर में तो कई पिक्चर्स लगे रहते हैं, भगवान के चित्र लगे रहते हैं, तो हर चित्र को प्रणाम करते थे, भगवान के विग्रह को हर चित्र को प्रणाम करते करते जाते थे। यही न्यूयॉर्क में देवी शक्ति माता जी बताए, न्यूयॉर्क आए तो हर चित्र के सामने प्रणाम करते थे। और प्रभुपाद को जब प्रणाम करते थे, अगर मंत्र बोलने में एक शब्द भी गलत हो जाता था, फिर से पूरा प्रणाम मंत्र बोलते थे। महाराज जब गायत्री करते थे तो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक गायत्री जब करते थे, ब्राह्मण भक्तों को पता है 3-4-5 मिनट में मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन महाराज इतना गंभीरता से उसका जप करते थे। पहले महाराज के पास डीटी नहीं थी, पहले महाराज के पास फोटोज़ थे, तो फोटोज़ लेके जाते थे राधापार सारथी के, गौरनेताई के और नरसिंहदेव के, मायापुर के, ये सब फोटोज़ लेके चलते थे सब जगह। और तब तो कोई सेवक भी साथ में नहीं रहता था, तो एक बैग होता था केवल इनकी फोटोज़ और उनकी पूजा का सामान का, और एक बैग उनको, दो बैग उठा के एयरपोर्ट में लेना ले जाना, लोडिंग करना, लोडिंग सब काम खुद करते थे। लेकिन वो विग्रह पूजा कभी नहीं छोड़े, हमेशा साथ में लेकर के चलते थे। हमेशा, जैसा कि भक्त लोग जानते हैं, कितना भी लेट हो जाए, अगले दिन सुबह अल्टर में महाराज हमेशा दिखते थे आरती करने के लिए, हमेशा। एक बार महाराज की कोई सर्जरी हुई थी और शाम के समय सब भक्त समझा रहे थे महाराज को, देखिए महाराज आपकी आज सर्जरी हुई है, कल अल्टर में नहीं जाना है। तो महाराज बोले ठीक है नहीं जाऊँगा। बोले महाराज पक्का नहीं जाना है? बोले नहीं जाऊँगा। तो सब लोग लेट, एक्चुअली डिस्चार्ज होते होते मंदिर आते आते 11:30-12 वैसे ही बज गई थी, तो सब भक्त उन बड़े खुश हो गए, महाराज बोले नहीं जाएंगे, तो सब भक्त बढ़िया सो गए। सुबह 4:30 हल्ला मचा, अरे गुरुमाच कहाँ है, गुरुमाच कहाँ है, सब तो सर्वेंट तो आराम से उठे, गुरुमाच जाना नहीं है, गुरुमाच कहाँ है, गुरुमाच गायब, गुरुमाच अल्टर में है, एक भक्त ने पीछे से पकड़ रखा है, आरती कर रहा है, ये उनका डेडिकेशन है। मायापुर में अभी कुछ ही समय पहले महाराज गिर गए थे और उनको स्टिचेस आए थे, यहाँ ऊपर 6-7 स्टिचेस आए थे, और भक्त लोग सोच रहे थे कि महाराज रेस्ट करना चाहिए। महाराज ने क्या किया, ऊपर एक कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के अगले दिन पंचतत्व की आरती करने के लिए पहुंच गए। ये उनका डेडिकेशन था, ये उनका प्रेम था विग्रहों के लिए। और उसी के साथ साथ वो बहुत सतर्क भी थे, उनके अल्टर में आप देखो राधा कृष्ण नहीं दिख रहे हैं ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौरनिथाई है, शालिग्राम शिला आइंद्र प्रभु ने इनको काफ़ी दी थी, गिरिराज शिला है, नरसिंहदेव है, प्रभुपाद है, परंपरा है, राधा कृष्ण नहीं है। रेवती रमनपुर ने बहुत सुंदर लीला बताई, आप लोगों ने सुनी होगी, महाराज तिरुपति गए तो उनका तो नियम है कि रोज मंगला आरती में आरती करना है। यहाँ भी जब आते थे कृष्ण बलराम की आरती करते थे, कृष्ण बलराम की आरती करते थे और नरसिंहदेव की कभी की है। तो रेवती रमनपुर 3 दिन निकल गए, उन्होंने 4th दिन पूछा, महाराज आप सब जगह जाते हैं आरती करते हैं, यहाँ तो आप आरती नहीं कर रहे हैं। तो महाराज बोला नहीं, यहाँ मैं आरती नहीं करूँगा। तो बहुत पूछने के बाद बताए कि नहीं, मैं आरती इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ अष्ट सखी हैं, गोपियाँ हैं। तो एकदम स्तब्ध रह गए, गोपियों के सामने कैसे वर्शिप कर सकता हूँ। उन्होंने बोला महाराज आप मायापुर में तो करते हैं। तो बोला क्या तुमने कभी देखा मुझे मायापुर में राधा माधव की आरती करते हुए? हमेशा पंचतत्व की आरती करता हूँ, गोपियों के सामने नहीं आरती करूँगा। कितना उच्च स्तर का भाव है, मतलब हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। आज हमारी भी प्रवृत्ति ऐसी है, राधा मदन मोहन के अल्टर में ही जाना है, मतलब मेरा, मैं दोष बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कैसे ना कैसे एडजस्टमेंट होके राधा मदन मोहन के अल्टर में जगह मिल जाए कैसे ना कैसे। लेकिन महाराज की कितना विनम्रता है, उसी के लिए आपने ये वीडियो भी देखी होगी, ये तो इस आई ओपनर। ये वीडियो सब भक्तों को अपने मोबाइल में रखना चाहिए, हमारे साथ ऐसा होगा नहीं अपेक्षा मत करना, हमारे सपनों में भूत पिशाची आएंगे, लेकिन महाराज के सपनों में किस तरह भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान उनसे सेवा में भी स्वीकार, सेवा ले, सपनों में भी सेवा लेना चाहते हैं, इतनी उच्च उनकी चेतना है।
वीडियो है। महाराज जी कुछ विशेष निर्देश हैं, 10 निर्देश महाराज ने हम सबके लिए दिए हैं, गंभीरता से सुनना है। पहला पढ़िए। First, always accept this divine grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, as the prevailing Shiksha Guru for all time. Shila Prabhupada ki jai। पहली शिक्षा है, सभी गुरु यही बात बोलेंगे, हम लोग बार बार भूल जाते हैं, हम सब प्रभुपाद के आश्रय में है। प्रभुपाद का आश्रय प्रथम स्मरण हम सबको होना चाहिए, हमारे प्रथम गुरु श्रील प्रभुपाद है। नेक्स्ट। ऑलवेज एक्सेप्ट स्कॉन्स जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन एज द अल्टीमेट मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ स्कॉन एंड श्रील प्रभुपाद्स रिप्रेजेंटेटिव एंड इस निर्देश के ऊपर मैं बहुत सोच रहा था, कई बार हमारे गुरु महाराज भी इसको बोलते ही थे, तो इसमें समस्या क्या है? जीबीसी को फॉलो तो सबको करना है, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। इसके दो समस्या हैं, एक समस्या नहीं, इसके दो चैलेंजेस हैं। एक, जीबीसी फॉलो करना मतलब जीबीसी का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना, उसमें टेंपल प्रेसिडेंट भी आता है, उसमें डिपार्टमेंट हेड भी आता है, उसमें जोनल सेक्रेटरी भी आते हैं, उसमें सब आते हैं। तो कई बार हाँ, जीबीसी को तो मैं फॉलो करूंगा, टेंपल प्रेसिडेंट को मैं फॉलो नहीं करूंगा। मैं किसको फॉलो करूंगा? हमारे प्रभु जी को फॉलो करूंगा, हमारे प्रभु जी अच्छे लगते हैं हमको। टेंपल प्रेसिडेंट कुछ भी बोले, हम थोड़ी उनके हैं, हम तो हमारे प्रभु जी के हैं। ये भावना नहीं होना चाहिए। मंदिर का जो डिसीजन है, आज आप लोग उज्जैन में भक्ति कर रहे हो, कल को किसी कारण से आपका तबादला हो या कोई शादी हो या जो भी हो, आप जिस मंदिर में जाएंगे उस मंदिर के नियम आपको पालन करना है। वहां जाके कर्तव्य नहीं दिखाना है कि हम तो उज्जैन के हैं, हम तो ऐसे ठुमका लगाएंगे। वहां जो होगा वो आपको फॉलो करना है। ये मैच्योरिटी सब भक्तों को रखना चाहिए, नहीं तो इसको टूट जाएगा। हम लोग जुहू में एक बार कैंप करने के लिए गए थे पुणे से, तो पुणे में क्या होता है, जब मंगला आरती में हरि हराय नमः शुरू होता है तो हम लोग ऐसे लाइन लगा लेते थे, दोनों दो लाइन ऐसे सब भक्त, और फिर हमारा एक अलग स्टाइल था डांस करने का, तो हम लोग वही जुहू में करने लगे और खूब सब मस्त नाच रहे थे। तो देवकी नंदन प्रभु उधर थे, देवकी नंदन प्रभु ने बीच में सब डांस को रुका दिया, बीच आरती में, और माइक पे बोले, इन रोम डू एज रोमन्स डू। यहाँ आके अपना पूना का कर्तव्य मत दिखाओ, जुहू में कैसा डांस होता है वो देख के रिपीट करो। ये होना चाहिए सिस्टम, ये पहली बात। दूसरा, थोड़ा जो भक्त पुराने हैं उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी तक हम जो सेकंड जनरेशन में हैं, हमारे लिए जीबीसी मतलब हमारे सारे गुरु वर्ग ही जीबीसी थे, हमारे डिफरेंट गुरु, उनके गुरु भाई प्रभुपाद के शिष्य, यही लोग जीबीसी थे। अभी धीरे धीरे वो लोग अपने शरीर छोड़ते जा रहे हैं। अब जो नए जीबीसी बन रहे हैं वो सेकंड जनरेशन में से बन रहे हैं, जैसे अभी गौरांग प्रो जीबीसी बने हैं, रेवती रमन प्रो जीबीसी बने हैं, अलग अलग सेकंड जनरेशन के जीबीसी बन रहे हैं, मतलब हमारी ही जनरेशन में से जीबीसी बन रहे हैं। अब मजा आएगा फॉलो करने में, क्योंकि जब तक हमारे गुरुवर्ग जो बोलते थे वो तो ऑब्वियस है हमको फॉलो करना ही है, लेकिन अब हमारी जनरेशन में ही लीडर्स हैं, अब वो जो नियम बनाएंगे वो हमें प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए फॉलो करना है। इसलिए ये निर्देश बहुत जरूरी है। प्रभुपाद के जाने के बाद कई प्रभुपाद के शिष्य आंदोलन छोड़ के चले गए इसी समस्या के कारण, क्योंकि उनके कुछ गुरु भाई लीडर्स थे, वो कुछ नियम बना रहे थे, सबको बात पच नहीं रही थी, चलो भाई छोड़ के चले जाओ। गुरु महाराज बोलते थे अगर गलत भी जीबीसी डिसीजन दे रही तो भी मानना चाहिए, क्यों? प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। इसलिए यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट। Lead your life as so as to be exemplary representative of ISKCON and Srila Prabhupada.
हमेशा अपना चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हो, प्रभुपाद के आदर्शों पर चलने के लिए हो। अमोघ लीला प्रभु अपने रिमेम्बरेंस में बता रहे थे कि कैसे एक भक्त ने महाराज को जाके बोला कि महाराज मैं अमोघ लीला प्रभु जैसा प्रचारक बनना चाहता हूँ। सब देखते हो ना अमोघ लीला प्रभु की वीडियो, मैं अमोघ लीला प्रभु जैसा प्रचारक बनना चाहता हूँ। महाराज उनको बोले अरे वो तो परफॉर्मर है, एक्टर है, वो तो उसके जैसा प्रचारक मत बनो। तो प्रचारक बनना है तो मोहन रूप प्रभु जैसा बनो, रुक्मणी कृष्ण प्रभु जैसा बनो, दोनों सीनियर भक्त हैं दिल्ली में, उनके जैसा प्रचारक बनो। तो अमोघ लीला प्रभु का भी थोड़ा पंचर हुआ, लेकिन साथ साथ में शिक्षा महाराज ने क्या दी, एक आदर्श भक्त बनना है। केवल ये नहीं कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छे लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो प्रभावित लोगों को कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा आदर्श भक्त जो प्रभुपाद के सिद्धांतों पे चले, वैसा भक्त हमको बनना है। आगे कॉर्पोरेट टुगेदर विद ऑल अदर इस्कॉन डिवोटीज टू पुश दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। कॉर्पोरेशन के बारे में महाराज ने पहले भी बोला, अभी दोबारा से बोल रहे हैं कि किस तरह हर भक्त का ध्यान हमको रखना है, कैसे हर व्यक्ति जो इस्कॉन में आया है उसके साथ सहयोग करके उसको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। यहाँ कोई भी रेस नहीं लगी है, ये ऐसी संस्था है जहाँ सभी विनर हैं। यहाँ जो एडमिट होता है वो विनर है, फर्स्ट है, एक ही रैंक है इस प्रभुपाद की, फर्स्ट, सेकंड रैंक है ही नहीं किसी की। तो यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं, हमको एक दूसरे का सहयोग करना है। महाराज कितने संवेदनशील थे, एक बार एक लड़का आया पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान से आया और उसको मंदिर में जॉब चाहिए थी। क्या करे क्या करे, महाराज ने बोला देखो पाकिस्तान से आया, भक्ति करना चाहता है, जॉब दे दो। तो उसका सिक्योरिटी का सुपरवाइजर बना है। अब रात में सिक्योरिटी क्या होते हैं, सिक्योरिटी रात में सोते हैं, ये सच्चाई है। तो हम लोग निश्चिंत होकर सो जाते हैं, लेकिन वो भी निश्चिंत होकर सोते हैं। एक बार हमारे मंदिर में भी चोरी हो गई थी, दान पेटी उठा के ले गए थे चोर, सिक्योरिटी सब 14 सिक्योरिटी गार्ड सब सो रहे हैं। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो उसको सुपरवाइजर बनाया था ये बोल के कि तुमको चेक करना है सारे सिक्योरिटी गार्ड सो रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये भी सोने में उस्ताद था। तो इसने क्या किया, ऐसी बात फैला दी कि जो दिल्ली मंदिर का एक्सिबिशन एरिया है, जो एक्सपो एरिया है, वहाँ भूत है, है ना, रात में वहाँ भूत आते हैं, ऐसी उसने बात फैला दी। तो अब कोई सिक्योरिटी गार्ड उस एरिया के पास ना जाए, और वो मस्त वहाँ का एसी ऑन करके सोता था। तो रोज की कहानी। अब एक दिन एक भक्त ने उसको पकड़ लिया, रिकॉर्डिंग चालू की और उससे पूछा क्यों भाई तुम यहाँ क्यों रहते हो। बोले प्रभु जी यहाँ भूत है, आपको पता नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आता नहीं है, तो मैं यहाँ की चौकसी करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ रात में। तो फिर उसको पकड़ लिया, सब रिकॉर्डिंग की, महाराज के पास जाके सुनाया, तो महाराज इसको निकाल देना चाहिए हमको। महाराज बोले वो कहाँ जाएगा, उसकी दो लड़कियाँ हैं बेचारा, वो कहाँ, महाराज वो नौटंकी कर रहा है, हमसे चीटिंग कर रहा है। बोले नहीं नहीं फिर भी वो कहाँ जाएगा, उसको ऐसे निकालना चाहिए क्या हमको। नहीं महाराज उसको निकालना तो पड़ेगा, सिक्योरिटी की बात है। बोले ठीक है, तो उसको एक काम करो, 3 महीने की सैलरी अपफ्रंट दे दो, जिससे वो कम से कम अपना दूसरा जॉब ढूंढ लेगा, फिर निकालना। ये उनकी करुणा थी, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते थे। हम तो कई मैनेजरियल इश्यूज देखे हैं इस्कॉन में, कई समस्या उनके पास जाती थी, वो किसी को नहीं निकालते थे, वो कहीं ना कहीं उसको सेट कर ही देते थे भक्त को, कहीं ना कहीं। एक भक्त थे, एक मंदिर के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनके गुरु भाई थे। अब वो मंदिर उनसे संभल नहीं रहा था, तो क्या किया, उनको लेकर के एक स्थान का उन्हें रीजनल सेक्रेटरी बना दिया। ले जाओ, अब आप लोग को इस्कॉन के कितने टर्म्स पता है मुझे पता नहीं, रीजनल सेक्रेटरी टेम्पल प्रेसिडेंट से बड़ा होता है। तो ऐसे एरिया का रीजनल सेक्रेटरी बनाया जहाँ ज़्यादा कोई मंदिर वंदिर थे नहीं, लेकिन वो भक्त को अच्छा लग रहा था, मेरा प्रमोशन हो गया और महाराज का काम भी बन गया, और महाराज ने किसी को निकाला भी नहीं। तो इस तरह उनका आश्रय था, वो किसी को, जैसे बोलते हैं ना अमोघ लीला प्रभु बोल रहे थे भूतनाथ है वो, जिसका कोई नहीं है उसके महाराज थे, तो सबको आश्रय देते थे। अच्छा किसी को हाँ या ना नहीं बोलते थे, जब भी कोई कंप्लेन लेके जाता था ना महाराज बोलते थे ओके आई विल सी। कभी किसी को बाहर निकालने का उद्देश्य महाराज का नहीं रहता था। नेक्स्ट, some of you advance successfully to become gurus and sannyasis to work under the GBC authority authorized processes to take up those services। कई बार ऐसा होता है गुरु के तिरुभाव के बाद भक्त लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, उनको लगता है मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, तो मुझे जो करना है मैं करूँगा। कई लोग बाहर जाके दीक्षा ले लेते हैं, सन्यास ले लेते हैं, ऐसे पहले इस्कॉन में हुआ है।
तो महाराज बोल रहे हैं, अगर आप में से कोई लोग बाद में जा करके गुरु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, इस्कॉन के नियम के हिसाब से बनना है, इस्कॉन के आश्रम में रहना है। हमारे लिए क्या शिक्षा है? आप कितने भी बड़े हो जाएं, मार्गदर्शन में रहना है, कोई ना कोई एक वैष्णव के आश्रम में भक्ति करना है, कभी भी स्वतंत्र नहीं होना है। नेक्स्ट, नेवर लीव इस्कॉन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज मेंबर ऑफ इस्कॉन। Never fight with ISKCON. Resolve your differences internally in a Vaishnava way. महाराज जो ये सिद्धांत बोल रहे हैं, गुरु महाराज तो काफी बोलते ही थे नेवर लीव ISKCON। हमारी जब दीक्षा हुई थी तो ये पांचवा रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमने सबने लिया है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नेवर लीव ISKCON। मरो करो, जो करना है यहीं पर करो, कहीं नहीं जाना है। तो महाराज उसी निर्देश को दे रहे हैं कि कभी ISKCON छोड़ के जाना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि क्या करें, समस्या नहीं होंगी, समस्या होंगी, लेकिन आपस में वैष्णव सदाचार के अनुसार उन समस्याओं का समाधान करना है। आप लोगों को मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ISKCON में एक समस्या है ऋत्विकवाद। जिन लोगों ने ISKCON डिसाइपल कोर्स किया है आप लोगों को पता होगा, तो कुछ मंदिर उसके प्रभाव में आ गए थे और वो लोग मुख्य ISKCON से अलग हो गए थे। तो कलकत्ता का मंदिर भी ऐसे ही था जो ऋत्विकवाद की चपेट में ISKCON से अलग हो गया था, और वहां के सारे भक्तों को प्रभुपाद के मेन ISKCON से अलग कर दिया था वहां के प्रेसिडेंट ने, वो भी प्रभुपाद के शिष्य थे किस्मत से। महाराज को जब ये बात पता पड़ी, महाराज ने बोला कि ये तो हमको ISKCON में वापस लाना है। तो बातचीत शुरू की उस भक्त के साथ जिसने ये सब किया था, तो वो भक्त बोलता है कि नहीं, मैं तो कोर्ट केस में कोर्ट में लड़ूंगा, लेकिन ये मंदिर वापस नहीं दूंगा। महाराज जो पूरे इंडिया के ब्यूरो चेयरमैन हैं, अपने घुटने के बल बैठ के उसको प्रार्थना करते हैं, कोर्ट में मत जाओ, प्रभुपाद का आंदोलन है, डोंट गो टू कोर्ट। साथ में जो भक्त थे उन्होंने बोला, महाराज आपको इस तरह अपने आप का सम्मान कम करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। महाराज का सोचना क्या था, प्रभुपाद की लक्ष्मी खराब होगी, कोर्ट में जाएंगे नाम खराब होगा, लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं। फिर कोर्ट में लड़े, उस मंदिर को हम जीते, और उसके बाद ही हमारे भक्ति प्रेम महाराज और भक्तों को कलकत्ता मंदिर भेजा गया था मायापुर से उस मंदिर को देखने के लिए। कहने का मतलब, किस हद तक व्यक्ति नीचे जा सकता है प्रभुपाद की सेवा के लिए, प्रभुपाद का सेवा। और वही भक्त बाद में जुहू में मिला, ये और आगे की कहानी है, वही भक्त हारने के बाद जुहू में मिला, और जुहू मंदिर में महाराज मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, ये भक्त महाराज को जितना अपशब्द मुंह में आए उसने सब बोलना शुरू कर दिया, महाराज पूरा सुनते रहे। अब साथ में जो भक्त उनका तो ब्लड बॉइल हो रहा था, क्या कर दें क्या कर दें, महाराज कुछ बोल नहीं रहे थे, वो लोग भी शांत थे। जब रूम में गए तो महाराज के तो क्या पंजाबी शिष्य है, पंजाबी शिष्यों वैसे ही खून गर्म होता है। महाराज बोले, महाराज उसको तो मारने ही वाले थे, आप कैसे सहन कर गए इतना? बोले, नहीं मेरा गुरु भाई है, आप लोग इस बीच में मत पड़ो, वो जो बोलना चाहता है उसको बोलने दो। कितनी सहन शक्ति होगी। ये तो गुरु भाई की बात, और आगे बताता हूं। एक व्यक्ति जो केवल मंदिर आता था लेकिन महाराज से बहुत ईर्ष्या करता था, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है, 2014-13 की। वो एयरपोर्ट पे गया महाराज जब जाने वाले थे, तब तो सभी ब्रह्मचारी और भक्त लोगों के सामने महाराज को उसने थप्पड़ मार दिया। अब विचार करो, इतने बड़े सन्यासी, और महाराज की हेल्थ आपने देखी ली वीडियो में, ऐसी हालत, महाराज गिरने वाले थे, महाराज चश्मा टूट गया, भक्त लोग तो एकदम उसको पीटने लगे। महाराज ने पुलिस को बुलाया, क्यों बुलाया महाराज ने पुलिस को, कि भक्त लोग उसको वहीं पर खत्म कर देते। महाराज ने पुलिस को बोला, आप अपनी कस्टडी में इसको रखो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। महाराज अंदर गए, फ्लाइट में बैठने से पहले महाराज ने फोन किया दिल्ली मंदिर के PR को, और उनको बोला, एक काम करो, मैं लक्ष्मी भेज रहा हूं, इस पैसे से उसकी बेल कराओ, जिसने थप्पड़ मारा था वो भक्त नहीं है, उसकी बेल कराओ, और उसको बोलो 10 दिन के लिए भारत से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि अगर वो यहां रहेगा तो भक्त लोग उसकी चटनी बना देंगे, मैं 10 दिन बाद वापिस लौट के आऊंगा दिल्ली, मैं सब ठंडा कर दूंगा। कितनी अनुकंपा चाहिए, कितना कंपैशन चाहिए, कितना सहनशीलता चाहिए। हमको कोई थप्पड़ मारे, हमारी इज्जत भी क्या है,
लेकिन महाराज जैसे व्यक्ति जिनको पूरा इस्कॉन की जिम्मेदारी ले रखी है, वो उस व्यक्ति के लिए, और वो भक्त भी नहीं है, गुरु भाई छोड़ दो, शिष्य छोड़ दो, बाहर का व्यक्ति है, उसको भी सुरक्षा दे रहे हैं। तो हमें आपस में कितना सहन करना चाहिए, ये निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद के आंदोलन के लिए। नेक्स्ट, नेवर अलाइन योरसेल्फ विद पर्संस और ग्रुप्स नॉट ऑथराइज्ड बाय द डीबीसी। ये भी समस्या होती है, कई बार हम अपने आप में गुटबाजी कर लेते हैं, हम एमपी वाले हैं, हम बंगाल वाले हैं, हम उड़िया हैं, है ना, और फिर उसमें भी हम आईटी बैकग्राउंड के हैं, हम बिजनेस बैकग्राउंड के हैं, और फिर हम गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, हम भक्ति चारू महाराज के शिष्य हैं, हम लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, और फिर उसमें भी बाहर की कुछ ग्रुप से भी हमारा हो जाता है, हम पुष्टि मार्ग है, अरे तुम्हारा इस्कॉन में आने के बाद भी वो मार्ग घुसा हुआ है, हम श्री वैष्णव हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, हम टिमकाना है, ये सब छोड़ के केवल और केवल हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं, बस इतना हमारे ध्यान में होना चाहिए। ये कभी मन में नहीं आना चाहिए कि ये मेरे गुरु भाई हैं, ये उनके गुरु भाई हैं, ये मेरे मंदिर के भक्त हैं, ये उन मंदिर के भक्त हैं, ये सब दिमाग से निकालना चाहिए। गुरु महाराज के साथ एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था तिरुपति, एक ब्रह्मचारी आए, गुरु महाराज ने ना तो उनसे ये पूछा कि आप कौन से मंदिर से हो, ना तो उनसे पूछा कि कहाँ आप कौन के डिसाइपल हो। महाराज बोले तुम कहाँ बैठे हो, तो महाराज मेरे पीछे टिकट है, मतलब इकोनॉमी में। महाराज ने मुझे बोला, गुरु महाराज ने मुझे बोला, उसको एयर होस्टेस को बुला के इनका टिकट अपग्रेड कर दो। मैं उसको बुलाया, उसको अच्छा खासा पैसा लग रहा था, मैं गुरु महाराज को डबल कन्फर्म किया, गुरु महाराज इतना पैसा लग रहा, गुरु महाराज मुझे ऐसा लुक दिए कि मैं भूल नहीं सकता हूँ, तुरंत अपग्रेड कर दिया, वो भक्त बैठ गया। गुरु महाराज को जाके 3.5 साल हो गए, मैं अभी दिसंबर में उनसे मिला था, वो मुझे बोले प्रभु जी उस दिन महाराज ने मुझे फील कराया कि इस्कॉन एक परिवार है। उन्होंने ना तो मुझसे पूछा तुम किसके शिष्य हो, ना ये पूछा कि तुम कौन से मंदिर से हो, बस उन्होंने देखा कि इस्कॉन का भक्त पीछे बैठा है, हम दोनों आगे बैठे हैं, साथ में बैठना चाहिए, तो उन्होंने मुझे आगे बुला लिया। ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए। अच्छा, इतने भक्त हमको दिखते हैं ना तो हमको फीलिंग नहीं आती। कभी आप विदेश जाना, विदेश में एक मतलब सड़े से सड़ा आपका जो एकदम जानी दुश्मन होगा ना, वो भी माला लेके अगर दिख जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मुझे क्या मिल गया। वी हैव टू वैल्यू डिवोटीज, जिन भक्तों के साथ हम रह रहे हैं उनका महत्व समझना है। नेक्स्ट, सीरियसली स्टडी श्री प्रभुपाद बुक ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑलवेज चैंट एटलीस्ट 16 अटेंटिव राउंड्स एवरी डे, चैंट एटलीस्ट 25 राउंड्स ऑन एकादशी एंड स्पेशल फेस्टिवल डे, एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। ये महाराज का बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश है। आप सब जप तो करते हैं, 4 नियम भी करते हैं, लेकिन प्रभुपाद अपने महाराज अपने शिष्यों को ये बार बार बोलते थे दीक्षा के समय, प्रभुपाद की पुस्तक रोज पढ़ना है, ये भी नियम है। यद्यपि हम दीक्षा के समय उसको एज ए वाओ क्या बोलते हैं, शपथ नहीं लेते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक शपथ है कि प्रभुपाद की पुस्तक रोज पढ़ना है। आखिरी 2 निर्देश, Work to make ISKCON a dynamic society. हमेशा ये सोचना है कि कैसे मैं ISKCON का प्रचार को और ज्यादा बढ़ाऊं। ये नहीं कि मेरी भक्ति तो अच्छी चल रही है प्रभु जी, बढ़िया, मैं भक्तों को खिलाता पिलाता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मस्त मंदिर आता हूँ, अपनी सेटिंग है, कहाँ से रबड़ी मिलनी है, कहाँ से रसमलाई मिलनी है, सब पता है हमको, क्या क्या करना है सब मालूम है। नहीं, ISKCON का प्रचार कैसे बढ़े ये हमको सोचना है। महाराज की एक बड़ी सुंदर लीला है। एक बार महाराज मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो एक भक्त को महाराज बोले कि कुछ लोग वहाँ योगा कर रहे थे, जैसे अपने मंदिर के पीछे करते हैं, कुछ लोग योगा कर रहे थे। महाराज बोले उनको जाके बोलो योगा ना करें, हरि नाम करें। अब वो भक्त बोला महाराज शवासन कर रहे हैं वो लोग, वो शवासन के टाइम पे। महाराज बोले जाओ जाके बोलो। अब वो बेचारा गया, वो लोग तो शवासन में लेटे हुए थे, वो बीच में बोलते हैं आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन हमारे गुरु महाराज खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग हरि नाम कीजिए। और वो सब आँख खोल के देखते हैं इसको, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरु महाराज बोल रहे हैं। तुमने जब महाराज को देखा तो एकदम पिघल गए, सब लोग बैठ गए। तो बोले क्या करना है, बोले एक मंत्र आपको करना है, आप कर दीजिए, महाराज खुश हो जाएंगे। ठीक है,
करिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। महाराज खुश, महाराज राउंड पे चले गए। अब जब एक चक्कर लगा कि दोबारा आए तो वो लोग वहीं बैठे हुए थे। वो लोग वो महाराज उनको वो सेवक को बोले पूछो क्या चाहिए उनको। सेवक जाके बोला आप लोग के, बोले हमको उनसे सुनना है। तो ठीक है, महाराज आके बोले आप लोग हरिनाम कीजिए, ये कलयुग का युग धर्म है, आप लोग हरिनाम का जप कीजिए। दो तीन सेंटेंस बोले बस, महाराज वहाँ से चले गए। तीसरे राउंड में जब आए तो उन्होंने अपनी योगा मैट वगैरह सब फोल्ड कर दी, बढ़िया सब लोग हरिनाम कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ हमारे फोन के बैलेंस खत्म हो जाते हैं, लोग बात नहीं मानते, हरिनाम करो। महाराज एक बार, क्योंकि वो ज्वाला अंदर है प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने, इसलिए जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये महाप्रभु की आज्ञा है इस्कॉन को एक डायनामिक सोसाइटी बनाना। ये एक आंदोलन है, आंदोलन मतलब एक्टिविटी होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं पिकनिक स्पॉट नहीं है कि हाँ अभी सब सेट हो गया, मैं भगत बन गया, नहीं। इसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये ज्वाला होनी चाहिए। शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा गीदड़ नहीं होता है। तो प्रभुपाद के अंदर जो प्रचार की भावना थी, महाराज के अंदर जो प्रचार की भावना, वो हम सब के अंदर होना चाहिए, तब हम प्रभुपाद के अनुयायी कहलाएंगे। Next. Then, continue donating your time and resources to ISKCON's causes. अच्छा ये भी एक बात है, मैं तो ISKCON का हूँ लेकिन मेरे पैसे ISKCON के नहीं है, मेरा समय ISKCON का नहीं है, मेरा घर ISKCON का नहीं है, मेरी गाड़ी ISKCON की नहीं है, नहीं। मेरा सब कुछ ISKCON का है, मेरा सब कुछ प्रभुपाद के आंदोलन का है। जब महाराज प्रभुपाद से पहली बार मिले थे, गृहस्थ थे और कोका कोला कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे, जितनी सैलरी आती थी पूरी की पूरी प्रभुपाद को देते थे। प्रभुपाद बोलते भी थे ये मतलब खुद के लिए कुछ रखो नहीं, प्रभुपाद मुझे जरूरत होगा मैं आपसे ले लूंगा। सब कुछ पूरा 100% सैलरी प्रभुपाद के हाथ में ला के देते थे। 5 वर्ष बाद फिर महाराज आगे बढ़ गए सन्यास की तरफ, लेकिन मतलब सन्यास नहीं हुआ था लेकिन घर छोड़ दिया था। 5 साल तक कंटिन्यूस जो कुछ आया प्रभुपाद की सेवा, ये महाराज का समर्पण था। नेक्स्ट। आई विश टू स्टेट दैट ऑल माय एंडेवर्स एज अ डिवोटी हैव बीन टू सर्व प्रभुपाद एंड द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ISKCON, एंड आई हैव नथिंग ऑफ माय ओन एक्सेप्ट माय ड्यूटी। तो ये सेवक का भाव होता है, मैंने जो कुछ किया प्रभुपाद की ISKCON की सेवा के लिए किया, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, मेरे पर्सनल विग्रह के अलावा मेरा कुछ नहीं। ये सेवक भाव होना चाहिए। रुक्मणी कृष्ण प्रभु काफ़ी अच्छी कथा बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि एक बार वो जब स्टूडेंट ही थे तब उन्होंने महाराज को बोला कि महाराज मेरी मदर आपसे मिलना चाहती है, मेरी मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं, काफ़ी अस्वस्थ हैं। तो महाराज ने बोला ठीक है मैं जाऊँगा। और जब मम्मी से मिले तो एक ही कंप्लेन, मम्मी लोगों की कंप्लेन ये होती है शादी नहीं कर रहा है। तो महाराज अब क्या बोलेंगे, प्रभु जी भी सोच रहे थे क्या उत्तर देंगे। तो महाराज बोले देखो सब गुरु की तो यही इच्छा होती है कि उनके सारे शिष्य सन्यासी बने, लेकिन शिष्य इतने नालायक हैं क्या करें। अब ये आंसर सुन के उनकी मम्मी भी क्या बोलती, अभी नालायक बेटा है कि मैं हूँ कि कौन है पता नहीं। और फिर मम्मी भी पंजाबी थी तो मम्मी बोलती है महाराज फिर आप आई गए तो थोड़ा भजन सुनाइए। और रुक्मणी कृष्ण रोज सोच रहा है इसको पता नहीं है मम्मी को मेरे गुरु महाराज हैं ये, इन्हों फरमाइश सुना रहे, हेलो फरमाइश भजन सुनाइए। महाराज बोला ठीक है करताल दो। प्रभु जी करताल लाए, मैली कुचला सा उसका धागा महाराज ने पकड़ा, महाराज कीर्तन करने लगे। ये दास भाव है, गुरु भी शिष्यों के दास भाव से सेवा करते हैं। ये महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे जितने एंडेवर्स, मैंने जो कुछ किया पूरा जीवन केवल प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, ISKCON की सेवा के लिए किया। लास्ट। Therefore, I further direct that any assets, including temples, foundations, and or projects associated with, inspired or directed by me or my disciples, must for all time remain under the auspices and directions of the GVC, who are the ultimate management authority of managing authority of ISKCON. जब सब कुछ मुझे ISKCON के लिए करना था, ISKCON की सेवा के लिए मैंने किया, तो अभी जो कुछ भी मेरे बाद रहेगा वो सब ISKCON का ही रहेगा, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है।
last. Thank you for your service and love for Srila Prabhupada. Serving you has been my privilege. I thank Srila Prabhupada, my spiritual master, the founder Acharya, and the preeminent Shiksha Guru of ISKCON and a pure devotee of Lord Krishna from the spiritual world, for providing me shelter in this house he built for the whole world to live in, and desire that all my disciples stay in that house, imbibe the highest philosophy of Krishna consciousness, and still higher than that, practice the philosophy of Krishna consciousness. Hare Krishna. महाराज यहाँ पर अपनी कृतज्ञता दे रहे हैं दोनों को, अपने शिष्यों को भी और प्रभुपाद को भी। शिष्यों का नहीं, महाराज बोल रहे सर्विंग हैज़ बीन माय प्रिविलेज, मतलब मेरा बड़ा सौभाग्य था आप सबकी मैंने सेवा की, और प्रभुपाद के लिए मेरा कृतज्ञता है कि उन्होंने मुझे अपने घर में आश्रय दिया। और महाराज बोल रहे हैं आप सब भी उसी आश्रय में रहिए, भक्ति कीजिए। ये महाराज के अंतिम शब्द हैं, और इससे हमको यही सीखना है कि कैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद के लिए दिया है, हमको ऐसा शिष्य बनना है। इस्कॉन में अभी क्या है, दीक्षा बहुत जल्दी हो रही है, वो समर्पण हमको खुद को कल्टीवेट करना है। दीक्षा होने के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि बस सब मेरा तो हो गया, मैं भगवत धाम चला जाऊँगा, नहीं, ये आंदोलन है। ये जैसे कभी कोई घर में बच्चे छोटे रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे को पढ़ाई छोड़ के दुकान संभालनी पड़ती है ना। जैसे कोई बच्चियां होती हैं घर में एकदम केयर फ्री रहती हैं, फिर एकदम से शादी हो जाती है तो जिम्मेदार बनना पड़ता है। तो उसी तरह प्रभुपाद शिष्य एक एक करके जा रहे हैं। अभी जो हम ये सब गुण अभी महाराज के सुन रहे थे इतने समय से, ये गुणों की अपेक्षा भक्त लोग अब आप में करेंगे। जब लोग देखेंगे इस्कॉन क्या है, इस्कॉन कौन है, इस्कॉन के भक्त ही तो इस्कॉन है, तो उस तरह के गुणों का हमें निर्माण अपने चरित्र में करना है, हमको उस तरह का भक्त बनना है। अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो हमको इस संस्था में लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर आया राम गया राम बहुत है। लोग आते हैं, भक्त बनते हैं, माला पहन लेते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाती है, फिर उसी स्पीड जिस स्पीड से आए थे उस स्पीड से चले भी जाते हैं। लेकिन जीवन पर्यंत उस ज्वाला को बनाए रखना कि हाँ मैं कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए मेरा जीवन है, ये सोच करके हमको इस आंदोलन में रहना है। और कभी ये मत सोचना अरे मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सब भाई आवरण है, इन सब से कुछ नहीं होता है। महाराज जब गृहस्थ थे तब भी पूर्ण निष्ठावान थे प्रभुपाद के लिए, जब सन्यासी बने तो भी पूर्ण निष्ठावान थे। आपके पास अभी जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो कितनी आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, ये परीक्षा हमको करनी है, तब जा करके हम प्रभुपाद के शिष्यों को वास्तविक श्रद्धांजलि दे पाएंगे। देखो आज से 10 साल बाद प्रभुपाद के शिष्य देखने के लिए भूमि को मिलेगा नहीं, कोई व्यक्ति प्रभुपाद के शिष्य को नहीं देख पाएंगे, तब वो आपको जाके पूछेंगे कि अच्छा आपने तो प्रभुपाद के शिष्य को देखा था ना, आप क्या सीखे। मुझे इतनी शर्म आती है, लोग मुझे बोलते हैं आप गुरु महाराज के साथ थे बताइए, मुझे बताने में शर्म इसलिए आती है क्योंकि मेरे चरित्र से वो मैच नहीं करता है। उसी तरह आपसे लोग पूछेंगे अच्छा हाँ आपने ये महाराज को देखा है, वो महाराज को देखा है, आपके उज्जैन में तो 12-12, 15-15 सन्यासी एक बार में आते थे, क्या सीखे। तब जाके आपके पास आंसर नहीं होगा तो कैसा लगेगा। तो उस तरह से अपने भक्ति में और गंभीर होना है, प्रतिदिन गंभीर होना है, अच्छे भक्त बनना है, और इस तरह भक्त बनना है कि हम आगे की पीढ़ी को आदर्श बन सके। ये प्रभुपाद क्या परंपरा, मतलब जो मिला है उसको संभाल करके नीचे देना, ये परंपरा है। तो जिस तरह उदाहरण हमको प्रभुपाद के शिष्य से मिल रहा है, अब उसी उदाहरण को धारण करके अगली जनरेशन को देना है, तब परंपरा आगे चलेगी, नहीं तो नष्ट हो जाएगी। जैसे चतुर्थ अध्याय में भगवान बोलते हैं कालक्रम में परंपरा नष्ट हो जाती है। हरे कृष्णा।
जय श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत गर्मी में बैठना पड़ा ना, आप लोग घर में जाके बड़े एसी में सो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी तपस्या तो हम कर ही सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा निवेदन ये था कि जो सन्यासियों का तिरोभाव होने के बाद उनको समाधि क्यों दी जाती है, अग्नि संस्कार क्यों नहीं होता? जब भक्त सन्यास ले लेते हैं तो उनका अंतिम संस्कार सन्यास के पहले हो जाता है। ये सन्यास का एक एक रिचुअल है। सन्यास लेने के पहले अंतिम संस्कार होता है, मतलब उनका पूर्व जीवन वहीं खत्म। ये एक रीति है जो जो अंतिम संस्कार के मंत्र हैं सन्यास के पहले पढ़े जाते हैं कि अभी उनका अंतिम संस्कार हो गया, अब जो शरीर है वो शरीर दिव्य शरीर है, वो भगवान की सेवा के लिए, मन काय वचन सब भगवान की सेवा के लिए। तो वो शुद्ध भक्त का दिव्य शरीर जलाया नहीं जाता है, उनको समाधि में रखा जाता है, जिससे उस समाधि पे जा करके भक्त लोग प्रार्थना कर सकें, उनसे भिक्षा मांग सकें कृपा की, इसलिए उनके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाता है। हमारे शरीर को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि हम हमारे शरीर से आ सकते हैं, शरीर नहीं जलाएंगे हम वहीं भटकते रहेंगे। शरीर जला देते हैं, हमारी आसक्ति खत्म होती है, तब हम दूसरे शरीर में जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जीवन मुक्त हैं, वो जीते जी मुक्त हैं, उनका शरीर अब चिन्मय हो गया है, इसलिए उनके शरीर को संभाल के रखा जाता है समाधि में। जैसे रामानुजाचार्य का शरीर अभी तक रखा हुआ है, उन्हें दिव्य शरीर उनके रखा हुआ है उस तरह। और कोई प्रश्न? मुझे ऐसा लगता है अगर हम इस बिल को हफ्ते में एक बार भी पढ़े, हम इसको अनुवाद कराएंगे हिंदी में, हिंदी में अनुवाद करके सब बच्चों को देंगे। ये जो हमारे इस्कॉन के लीडर्स हैं, ये पूरे इस्कॉन का सोचते हैं, है ना? इनको अभी जितने निर्देश सुने, क्या गुरु महाराज के निर्देश से कोई निर्देश अलग था? सेम, एकदम 100% सेम। सो दे आर सेम इन देयर मूड, सेम इन देयर अंडरस्टैंडिंग। वी हैव टू टेक इट विद दैट मैच्योरिटी। और कोई कुछ बोलना चाहते हो? Anything? समझ में आया किस किस के ऊपर से गया, कौन कौन एकदम नए हैं जिनको पहली बार महाराज का नाम सुना है? आज सबने सुना है। हरे कृष्ण। हमारी एक और इच्छा है, हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे महाराज का तिरुभाव हो गया, उसके बाद हम उनकी महिमा श्रवण कर रहे हैं, अगर उनके रहते रहते श्रवण करते तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह अगर हम आगे शेड्यूल करें, वर्तमान में जो इस्कॉन के सन्यासी है, गुरु है, उनके बारे में उनके रहते रहते चर्चा करें तो कैसा रहेगा? उनके हम उस दृष्टि से उनकी संगति ले पाएंगे। वो लोग आते हैं उज्जैन, लेकिन हमको उनके बारे में पता नहीं, उनको हम उस श्रद्धा के साथ उनके श्रवण, उनकी सेवा, ये सब करते हैं। तो देखते हैं कितना संभव होगा। ऑफलाइन में तो आप लोगों को गर्मी लगती है, फिर ऑनलाइन करेंगे। थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करेंगे।